पूरा ललन टॉप स्वागत करता है गेस्ट इन द न्यूज रूम में किरण देशमुख जी का बहुत बहुत स्वागत एक सेक्स वर्कर का किस तरह की दिक्कतें आती हैं कस्टमर के लेवल पे पुलिस के लेवल पे पुलिस आती थी जूते रहते थे उनके पैर में वैसे ही लात मार के निकल जाती थी विदाउट कंडोम के सेक्स करके चले जाती थी पुलिस भी उनको ये डर नहीं होता था कि उनको एसटीडी हो सकते हैं नहीं था डर उनको पता नहीं क्या था वो जो लोकल गुंडा होते थे कोई डंडे लेके आते थे कोई तलवार लेके आता था तलवार लेके? जी आपको आ, कब पता चला कि आपको भी HIV है? मुझे 97 में पता चला। जो एच आई वी पॉजिटिव उनके साथ तो इतना भेदभाव होता था पूछो मत हाथ लगा के चेक नहीं करने का डॉक्टर हाथ नहीं लगाते हैं? डॉक्टर नहीं हाथ लगाते थे तब सीधा खड़े रहो वहाँ पे आने का नहीं हमको मालूम है गोकुल नगर में रहती हो धंधा करती हो ये जो इस तरह से बातें होती थी ना ये बहुत मतलब भेदभाव वाली और कलंक वाली होती थी कई लड़कियों को बहला फुसला के लाया जाता है कोठों पे बेच दिया जाता है उनके साथ मारपीट की जाती है फिल्मों में दिखाते हैं और जो लिखा जाता है इन चीज़ों में और रियल सेक्स वर्क में बहुत फ़र्क है बहुत फ़र्क है कभी एक बार आँखें उस सेक्स वर्कर के गली में देखो तो देखो ना बोलने का एक सेक्स वर्कर के पास कितना अधिकार होता है किसी एक सेक्स वर्कर के साथ रेप हो गया तो उसको रेप नहीं माना जाता दस लोगों के साथ सोती है इसके साथ कभी रेप हो सकता है क्या लेकिन मैं जब नहीं बोलती हूँ तो मेरे साथ रेप हुआ सेक्स वर्क इंडिया में ना काफ़ी एक ऐसा टॉपिक रहा है जिसके ऊपर बहस हमेशा से रही है जैसे एक्टिविस्ट चाहते हैं कि ये लीगल हो जाए सेक्स वर्क को लीगलाइज नहीं करना चाहिए सेक्स वर्क को डी डिक्रिमिलाइज करना चाहिए अगर लीगलाइज करेंगे तो वैसे भी हमारा देश बहुत रिश्वत खो रहे है। आप सोचो, क्या कभी है पॉलिटिक्स में जाने का सोचा क्यों इतना बड़ा पॉलिटिक्स है ना मेरे धंधे को ही वर्क नहीं मानते तो वही तो सबसे बड़ा पॉलिटिक्स है ना मैं क्यों जाऊँ पॉलिटिक्स में जब कोई सेक्स वर्कर प्रेग्नेंट हो जाती है तो वो कितने महीने तक वो सेक्स वर्क करती रहती है फिर कब वो सेक्स वर्क से अलग फिर उनकी देखभाल कैसे होती है पाँच या छठे महीने तक वो धंधा करेगी उसके बाद नहीं करती जैसे मैक्सिमम में भी जो लीव होती है वो थर्ड फोर्थ मंथ से दी जाती है तो सिक्स मंथ कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया ये सवाल किसी घर में जाके पूछो कोई घर में जाओ और उस वो प्रेगनेंट और को बोल दो भाई कितने दिन काम करेगी तुझे भी तो लीव चाहिए ना तो अभी तो आराम कर वो बोलेगी मेरे पति को कौन खिलाएगा Brought to you by Sensodent K. अभी लेके आए Sensodent K. टूथ का करंट ऑन तो लाइफ का करंट ऑन हम लोग जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तब एक सेगमेंट होता है जिसमें एब्रिविएशन सीखते हैं फुल फॉर्म सीखते हैं और एक पार्ट होता है जिसमें हम संविधान के बारे में पढ़ते हैं महत्वपूर्ण कानूनी फैसलों के बारे में पढ़ते हैं सुप्रीम कोर्ट के आज के गेस्ट इन द न्यूज रूम के जब मैं नोट्स खंगाल रहा था तब कुछ एब्रीवेशन थे जिनकी तरफ बार बार ध्यान जा रहा था जैसे एक एब्रीवेशन है संग्राम संपदा ग्रामीण महिला संस्था और दूसरा है एब्रीवेशन वैम्प वेश्या अत्याचार मुक्ति परिषद आज की हमारी जो मेहमान हैं वो पेशे से सेक्स वर्कर हैं एच पीड़ित हैं सेक्स वर्कर्स के लिए काम करने वाली संस्थाओं की अगुवा हैं एक इसका राष्ट्रीय नेटवर्क है जिसकी प्रेसिडेंट भी रही है जब हम लोगों ने पिछले दिनों देखा कि सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने विस्तार से एक फैसला दिया जब हम लोगों ने वो इंतज़ार भी देखा विधेयक लैब्स हुए किस तरीके से इसमें होने वाली यौन अपराधों के लिए तस्करी की रोकथाम के लिए तो हमें लगा कि फर्स्ट हैंड ये जानना चाहिए कि जो इस प्रोफेशन में हैं उनके सामने क्या दिक्कतें आती हैं वो अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करते हैं जब हम वर्क प्लेस की सुरक्षा की बात करते हैं तो उनकी जो वर्क प्लेस है वहाँ पे किस तरह की दिक्कतें आती हैं किस किस तरह के शोषण होते हैं इसमें सुधार के लिए क्या चीज़ें हो रही हैं एच का और प्रसार ना हो इसके लिए किस तरह की रोकथाम हो रही है पुलिस के स्तर पर कोर्ट के स्तर पर एन के स्तर पर सरकार के स्तर पर क्या दिक्कतें आती हैं ये जो आज हमारी गेस्ट हैं इनका नाम किरण देशमुख जी है किरण जी महाराष्ट्र के सांगली इलाके से आई हैं सेक्स वर्कर्स के अधिकारों को लेकर और जो एच पीड़ित हैं उनके अधिकारों को लेकर बहुत मुखर हैं इनका अपना परिवार है बच्चे पढ़ के नौकरी कर रहे हैं उन्होंने अच्छी शिक्षा हासिल की जब हम इनके प्रोफाइल को खंगाल रहे थे तो हमें संस्थाओं के बारे में पता चला जहाँ पे हॉस्टल्स चलते हैं जहाँ सेक्स वर्कर्स के बच्चे पढ़ाई करते हैं और दूसरे प्रोफेशंस में जाते हैं ये भी पता चला कि अगर वो इसी प्रोफेशन में आना चाहें तो उसके पहले उनको किस तरह की हिदायतें या समझाइश दी जाती है इस तरह के तमाम अनुभव हैं जिनसे हम दो चार होंगे अमूमन आपने देखा होगा कि गेस्ट इन द न्यूज़ रूम की शुरुआत से पहले हम हमारे जो गेस्ट हैं उनकी ज़िंदगी के कई पड़ावों की आपको एक झांकी सी दिखाते हैं ताकि एक अनुमान रहे आगे किन किन विषयों पर बात होने वाली है लेकिन जब शूट शुरू होने से पहले हम किरण जी से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि दिल्ली वाली हिंदी मत बोलिएगा आसान भाषा में बात करिएगा एक एक करके सब लोग सवाल पूछेंगे वरना मैं भूल जाऊँगी किरण जी के इस आदेश का अपने मेहमान के इस आग्रह का हम खूब ख्याल रख रहे हैं इनकी ज़िंदगी में खूब उतार चढ़ाव रहे माता पिता किसान थे ये बड़े होकर कल्पना चावला की तरह एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना चाहती थी घर में कुछ लैंगिक भेद रहे इनका बगावत का अपना तरीका रहा घर से भाग आ गई सेक्स वर्क शुरू किया उसके बाद शहर बदले अलग अलग परिस्थितियाँ रहीं परिवार बदला और उसके बाद जब इनको एच हो गया तब एक नए सच से साबका हुआ और फिर एक्टिविस्ट वाले मोड में भी आई गेस्ट इन द न्यूज़ रूम में आज हम बहुत कुछ सीखेंगे पूरी संवेदनशीलता के साथ पूरी गंभीरता के साथ क्योंकि किसी भी किस्म के अन्याय के खिलाफ लड़ाई देश के हर नागरिक की लड़ाई है इसलिए पूरा लल्लन टॉप स्वागत करता है गेस्ट इन द न्यूज रूम में किरण देशमुख जी का बहुत बहुत स्वागत हम लोग किरण जी मैं आपको दीदी -दी बोल सकता हूँ जी अच्छा एक्चुअली मुझे ताई बोलते हैं में है। ताई का मतलब दीदी -दी होता है ठीक है तो मैं आपको ताई बोलता हूँ मैं आजकल सीख भी रहा हूँ मराठी <laughs> तो मैं ताई बोलता हूँ है ना तो ताई हम लोग अलग अलग लोगों के जैसे हम इस पेशे में हैं पत्रकारिता के कभी फिल्म वालों के इंटरव्यू करते हैं कभी नेताओं के कभी अधिकारियों के ये मेरा पहला मौका है कि मैं एक सेक्स वर्कर का जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आ, सुप्रीम कोर्ट का मैं एक ताई फैसला पढ़ रहा था मैं अपने दर्शकों को भी बता दूँ ये फ़ैसला आया था आ, दो बाईस में आप लोगों ने भी सुना होगा क्योंकि आप लोगों से जुड़ा हुआ फैसला था तीन जजों की बेंच थी जस्टिस राव जस्टिस गवई और जस्टिस बोपन्ना जिसमें कहा गया था कि किसी भी सेक्स वर्कर को बाकी लोगों की तरह समान अधिकार दिए जाएँ अगर सेक्स वर्कर बालिग है और खुद की मर्जी से काम कर रही है तो पुलिस परेशान नहीं कर सकती क्रिमिनल एक्शन नहीं ले सकती अगर सेक्स वर्कर अपराध को लेकर शिकायत करती हैं तो पुलिस गंभीरता से ले वैश्याल पर रेड करें तो ध्यान रखा जाए खुद की मर्जी से सेक्स करना अपराध नहीं है केंद्र और राज्य पॉलिसी तैयार करें तो उनके प्रतिनिधियों को यानी सेक्स वर्कर्स के प्रतिनिधियों को शामिल करें और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट की लीगल हैंडबुक है जिसमें कानूनी शब्द लिखे होते हैं वहाँ पर प्रोस्टिट्यूट शब्द हटाकर सेक्स वर्कर शब्द इस्तेमाल किया जाए हमने ताई कोर्ट का आदेश तो पढ़ा पर जमीन पर क्या होता है वो हम समझना चाहते हैं जब रेड पड़ती है या आप लोग कोई कंप्लेन लेने जाते हैं जब हमारी टीम ने आपके आपके साथियों के और देश की दूसरी सेक्स वर्कर्स के इंटरव्यू किए तो सब ने बताया कि बहुत अलग अलग ढंग से प्रताड़ित किया जाता है बहुत बायसेस होते हैं तो हम उनके बारे में एक एक करके आपसे जानेंगे पर सबसे पहले हमारी और हमारे दर्शकों की जो भी इस वीडियो को देखेंगे ये दिलचस्पी होगी जानने में कि जब आप छोटी थी अपने माता पिता के पास पास थी तब आप बड़े होकर क्या बनने का सोचती थी अपने ارد گرد کیا देखती थी क्या तब स्कूल में पढ़ाई या फिल्में देखते हुए आपने इन चीजों के बारे में सुना था सेक्स वर्कर्स के बारे में या कोई उपनिवेशिया कहता था प्रस्टिट्यूट कहता था या जब आप अपने घर से निकली तब हालात कैसे थे थोड़ा सा वो बताइए अह एक्चुअली अगर हम देखेंगे तो मैं अह uh, किसान परिवार से मेरे मां-बाप थे मैं भी थी अच्छा और आप भी हाथ बटाती थी खेती में जी जी मैं बहुत काम करती थी के, खेती में अच्छा। आ, क्या खेती होती थी आपके? हमारे यहाँ पे मूंगफली ज्यादा होती थी गन्ना होता था और ये गेहूँ ज्वारी बहुत होती थी कौन से जिले की बात है आ, ये पुणे जिले की बात कर रही हूँ और अपनी अरहर होती है ना हाँ जी हाँ जी दाल अरहर वो भी बहुत होती थी अच्छा और मैं हाथ बटाती थी मेरे घर में क्योंकि मेरे घर का एक मतलब रवैया ही ऐसा था कि जो बहुएं थी घर की वो घर के बाहर नहीं निकलती थी ओके okay. बेटियां जो थी वो ही बस बाहर का जो भी काम है वो बेटे बेटी करते थे तो इस वजह से मैं मुझे खेत में जाना ही पड़ता था और मैं हाथ भी बटाती थी बट जब मैं ये देखती थी कि इतना काम करो एक मतलब ना एक पुरुष के बराबरी में खड़े रह के काम करना और फिर घर पे आए तो पहला पुरुष खाना खाएगा फिर औरत खाना खाएगी ये जब कहीं दोनों खेत से काम का जबकि दोनों तो, भी खेत से काम करके आए हैं और जो भी कुछ अच्छा होता था मतलब घर में पकता था वो पुरुष को जाएगा बचा को फिर वो औरत खाना खाएगी और फिर हमेशा से बचपन से ही वैसे मेरे पापा बहुत जल्दी गुजर गए मैं छोटी थी कुछ तीसरी क्लास में पढ़ती थी तब गुज़र गए तो जो भी जिम्मा है घर का वो सारा बड़े भैया के हाथ में चला गया तो मतलब इतना ये भेदभाव तो हम देख ही देख ही रहे थे देखते थे और फिर हमें खेलने का बहुत शौक़ तो फिर हम कंचे नहीं खेल सकते क्योंकि मैं लड़की हूँ फिर मैं कबड्डी नहीं खेल सकती क्योंकि मैं लड़की हूँ फिर खेलो क्या खेलने का तो गुडियों के साथ खेलो ना वो घर वर बनाओ गुड़िया मतलब वहाँ पे रखो और वो खेलो वो लड़कियों को शोभा देता है इस तरह का क्या लड़कों के खेल खेलेगी क्या ये मतलब सुना के माँ बहुत मतलब चिल्लाती थी डांटती थी पीटती थी लेकिन तो हम हाँ से खूब झगड़ा होता था अम... इतना नहीं बट मेरी माँ मेरी आई ऐसी थी एक जगह पे सौ बार मारती थी धन 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 ख़त्म मतलब ऐसी था थी मेरी माँ और फिर मैं मेरा भी स्वभाव इस तरह से था कि मैं सुनती नहीं थी किसी की मुझे खेलना है मतलब खेलना है मुझे जा मैंने तैरना सीखा ना तो वो सीखने के लिए मैं मुझे बहुत डांट पड़ती थी कि लड़कियां कहीं तैरती है क्या तैरने को जाती है नदी में सीखने को जाते थे हम तैरने के लिए कौन सी नदी थी आ, गो, उसको घोड़ नदी बोलते हैं घोड़ नदी हाँ वो शिरूर तालुका में है पुना में और इस तरह से घर में होता था तो हम थोड़ा बड़े हुए और फिर। स्कूल में कैसा था स्कूल में स्कूल में पूछो मत मैं बहुत मतलब वो टाइम पे ना ऐसी थी कि एक डैशिंग किसने मारा तेरे को उसने चल धो डालेंगे मतलब एक इस तरह का जो था वो मेरे दिमाग में पहले से ही था तो घर पे भी बहुत झगड़े आते थे फिर वो भाभी बहुत चिल्लाती थी वो घर पे कैसे झगड़े आते थे क्या शिकायतें आती किसी थे? को मारा किसी के आम चुराए किसी के भैंसे को भै... मतलब छोड़ दिया दूसरे के खेत में ये जो शिकायतें थी ना मेरी तो ये बहुत आती थी घर पे और उस वजह से क्यों छोड़ देती थी आप ऐसे ही ना शैतानी <laughs> में हाँ ऐसे अच्छा। तो ही छोड़ देते थे हम तो बदमाशी हाँ। और फिर अपने आम आम हमारे खेत में भी आम के पेड़ थे लेकिन हमारे खेत के आम अगर हमने तोड़ लिए तो फिर वो, वो अमिया रहती थी ना हाँ। तो वो अगर तोड़ेंगी तो फिर हमारे आम कम हो जाएंगे फिर दूसरे के चुराने के दूसरे के तो तो पेड़ पे चढ़ के चुराते थे या पत्थर मार के डंडा तो मार वो मेरी एक भैंसिया थी बहुत अच्छी थी वो, थी वो। उसका नाम गंगी था गंगी हाँ भैंसिया थी वो हाँ। उसको पानी पिलाने के लिए लेके जाती थी मैं ऐसा तालाब था खेत के पास में और उसको वो पेड़ के नीचे खड़ा करती थी फिर तो उसके ऊपर चढ़ जाती उसके थी उसके ऊपर चढ़ जाती थी और आम तोड़ लेने का अगर मालिक आ गया आम का वो भैंसिया के ये रहते ना सिंग ऐसे उसमें वो थैली अटका देने की वो अपने आप से घर चली जाती थी हाँ। ऐसे मैंने उसको तैयार किया था वो भैंसिया को <laughs> <laughs> क्या कमाल की ट्रेनिंग दी आपने है? ये तो जो इस टाइम के आम चोर हैं उनको आपने एक हिंट दे दी है एक भैंस को ट्रेन करो और वो सप्लाई करेगी है मॉडर्न डे तस्कर <laughs> तो इस तरह से मतलब बहुत सारे ऐसी शिकायतें भी आती थी और तो But, गं, गंगी का चारा पानी दूध निकालना वो सब भी आप ही करती थी आ, नहीं दूध तो मेरे भैया निकालते थे लेकिन उसको चारा पानी पानी पिलाना चारा देना खाने को उसको खेत पे लेके जाना hmm. मैं ही करती थी तो वो थोड़ी सी ऐसी मेरे नजदीक थी गंगी अच्छी थी लेकिन कौन सी क्लास तक पढ़ी आप मैं ग्यारहवीं तक पढ़ी हूँ और बारहवीं के बाद एक चार महीना गई होंगी कॉलेज और छोड़ दिया फिर और मुझे में? लगता है कि मेरे गांव में दसवीं दसवीं को पास पास करने वाली में पहली लड़की थी और मुझे कितने मार्क मिले थे पता है थी आपकी थी। और 68 थे। तो मुझे पता नहीं कितने की थी लेकिन ये सिक्सटी एट परसेंट पे भी मुझे गुलाल वाला लगा के पूरे गाँव में मेरा मतलब जुलूस निकला था कि पहली लड़की फर्स्ट मतलब टेंथ में आई है ये लड़की पहली गाँव की पहली लड़की ने टेंथ पास कर लिया और वो भी इतने अच्छे नंबरों से हाँ और अच्छा ताई जब हम लोग ऐसे आठवीं नौवीं क्लास में पहुंचते हैं तो सब नाते रिश्तेदार टीचर ये लोग पूछने लगते हैं कि अच्छा बेटा आप बड़े हो रहे बड़े हो क्या करोगे आपसे ये सवाल पूछता था कोई आपके मन में आता था कि अब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो डॉक्टर बनूंगी इंजीनियर या बिजनेस नहीं मैं अगर मेरे घर का अगर माहौल देखती हूँ, तो मैं 7th क्लास में थी तभी से मुझे शादी के रिश्ते आने लगे थे मेरा गांव भी बहुत मतलब ऐसा एक क्या बोलते हैं ना उसको एकदम पूरा पुराना खेड़ेगांव बोलते हैं ना उसको खेड़ेगांव खेड़ेगांव हां अ उस तरह से है तो आपको जहाँ पे आगे लगे ना कि हिंदी का वर्ड नहीं तो आप हमारे यहाँ कई लोग हैं जो मराठी बोलते समझते हैं अक्षय शेलके हैं निखिल वाट हैं मुबारक मुबारक भी हैं क्या हाँ तो हमारे यहाँ तीन लोग हैं जो पूरी मराठी जानते हैं तो आप मराठी में बोल देना हम समझ लेंगे उनसे है ना रूरल एरिया बोलते ना हाँ। उस तरह से मेरा गांव था हाँ। तो मैं जब सातवीं में पढ़ रही थी तभी से मुझे रिश्ते आने लगे थे जल्दी शादी कर देते हैं पे नहीं हाँ जल्दी कर तब करते थे अब नहीं करते क्या पता नहीं दस, दस बारह साल है? की लड़कियों में हाँ एक मतलब कैसा है ना एक बार लड़की सयानी हो गई अब सयानी वो पागल तो रहती नहीं है लेकिन सयानी उसको बोलते हैं जब उसको पहली एमसी आ जाती है पीरियड शुरू हाँ पीरियड शुरू हो जाते अरे ये सयानी हो गई अब इसकी शादी करो मतलब इस तरह से तो मुझे भी बोल रहे थे कि शादी करेंगे लेकिन मैं थोड़ा ये थी घर में तो बोल रही थी मतलब भाई को बोलती थी दादा अभी मेरी शादी मत करो ना मुझे पढ़ना है मेरी माँ को बोलती थी आई मेरी शादी मत करना अभी मुझे पढ़ना है तो इसी में और कौन-कौन आपके घर में तीन भाई और हम तीनों बहनें थीं तो दो बहनें थी उनकी शादी हो गई थी वो आपसे बड़ी थी? हाँ वो बड़ी थी और घर में सबसे छोटी मैं ही थी भाई बहन में तो ऐसे बोल के उनको मैं टाल देती थी लेकिन बहुत ही ज़्यादा मतलब ये होने लगा कि बहुत सारे ऐसे मतलब ना बंदिश रखने लगे अब इतना देर क्यों हुआ कॉलेज में फिर रोज छोड़ने के लिए भाई को भेजते थे लाने के लिए भाई को भेजते थे और जैसे एक लड़की पे है ना नज़र रखी जाए ना जैसे वो किसी के प्यार में है या कुछ ये कर रही है तो उस पर नज़र रखते हैं ना कहाँ गई कहाँ गई यहाँ से आई वहाँ गई वहाँ क्यों गई यहाँ क्यों आई इस तरह से करते थे और वो मुझे बर्दाश्त नहीं होता था कि एक तो मुझे पढ़ना था ये तो मेरे दिमाग में था और मैंने अपने आई से भी बात की थी कि आई मुझे पुणे में वो कॉलेज है हिंजौड़ी गांव में है वो कॉलेज इरोनॉटिकल उस कॉलेज में मुझे पढ़ना है मुझे इतना बारहवीं पास करने दे और फिर मुझे वहाँ पर तू पढ़ने के लिए भेज लेकिन क्या होता था कि फिर भाई पूछते थे और इतने देर इतने दूर भेजेगी क्या पढ़ने के लिए लड़की है वो लड़की उसको इतनी दूर नहीं भेजेंगे बारहवीं तक होने दे अभी बारहवीं होने दे इसकी शादी करके देंगे मतलब ये भी होता था और जो मतलब दिल में एक चाहती ना कि वो इंजीनियर बनना है मुझे क्या सब्जेक्ट थे आपके आ, मेरा ग्यारहवीं बारहवीं में साइंस लिया था मैंने <laughs> लेकिन मेरा मतलब पूरा फोकस तो उस यूरोनाटिकल कॉलेज पे था कैसे पता चला आपको उस उस कॉलेज कॉलेज के के बारे में के बारे में में का लेख आता था अखबार अखबार में। और मैं पढ़ती थी हमेशा वो कि वो भी तो मेरे जैसे एक रूरल एरिया से आई हुई लड़की है लेकिन कितना पढ़ी कितना मतलब वो और मेरे दिमाग में ना हमेशा से जब मैं पढ़ूंगी और मैं नौकरी करूंगी तो पढ़ाई के लिए इतना खर्चा हो गया नौकरी में पहली तनख्वाह तो इतनी रहेगी पूरे साल में खर्चा निकल जाएगा मतलब ये भी कैलकुलेशन बहुत रखती थी हमें मैं कि ये नौकरी करूंगी तो इतना पेमेंट मिलेगा लेकिन इसका मुझे ये मतलब मैंने मेरे आई को भी बोला था कि आई मुझे यूरोनाटिकल कॉलेज में पढ़ना है तू तेरे खेत बेच लाल लेकिन मुझे उस कॉलेज में पढ़ा मैं तेरे तो को बहुत सुख में रखूँगी तेरे बेटे नहीं रखेंगे इतना रखूँगी और आई भी बोलती थी मेरे कि हाँ कोई नहीं पढ़ा है घर में लेकिन तुझे तो पढ़ाऊँगी चाहे मुझे मेरे खेत या बेचने भी पड़े तो चलेगा इस तरह से तो मैं उस कॉलेज में पढ़ना चाहती थी फिर क्या हुआ फिर उसके बाद में इनका बहुत घर में मतलब ऐसा वो क्यों पढ़ेगी हमारे बच्चे इतने मतलब ना और सिटी बोरा कॉलेज हमारे यहाँ पे सिटी बोरा कॉलेज है गांव में सिटी बोरा कॉलेज में आते और ये हिंजौरी में जाएगी पुना में यूरोटिकल कॉलेज में पढ़ेगी ये रोज का जो सुन सुन के सुन सुन के और ये घर में जो ऐसी बंदिशें आती थी यहाँ मत जाओ ये मत करो वो मत करो मैंने एक दिन घर ही छोड़ दिया किस दिन आपको तारीख याद है आदे? नहीं वो दिन थे मुझे साल याद है uh, साल uh, याद है नाइन्टी uh, टू साल था और uh, मैं जब घर से निकली ऐसी सुबह के वक्त निकल गई स्कूल जाने नहीं, के नहीं नहीं स्कूल जाने के लिए भी नहीं मैं शाम के टाइम है ना एक पाँच बजे घर से निकल गई तो गई ही नहीं वापस मैं पाँच किलोमीटर हाईवे तक पैदल पैदल चलते आई झगड़ा हुआ था घर में नहीं नहीं बस ऐसे ही और सब जन मुझे देख रहे हैं मेरे पड़ोस वाले कि ये कहाँ जा रही है शाम का टाइम हो गया ये कहाँ जा रही है और मैं अपनी धुन में निकल गई निकल गई वहाँ से मैं पूना आई कुछ रुपए पैसे लिए थे आपने पैसे तो बहुत थे उनके पास लेकिन मैंने लिए सौ रुपए वही सौ रुपए लिए और मैं पूना आई और पूना आने के बाद में मैंने ये सोचा कि अब करेंगे क्या भूख तो लगी पूना पहुंच गई रात रात हाँ रात को मैं पहुंच गई मेरे गांव से पूना दो घंटा लगता है आने के लिए और मैं पहुंच तो गई लेकिन भूख तो लगी अब खाऊंगी क्या तो मैंने सोचा फिर वहां से पहले कभी आप पूना गई थी? नहीं तो मैं वहां से फिर एक बार ऐसा पढ़ा था पेपर में कि ऐसे ऐसे धंधा चलता है ये होता है वो होता है और वो दिमाग में क्लिक करने लगा फिर वहां से मैं लक्ष्मी रोड आई लक्ष्मी रोड आने के बाद मैंने बोला यहाँ पे बहुत भीड़ है यहाँ पे कुछ ना कुछ काम तो चलता रहेगा और मैं जिस मतलब था तो वो बुधवार पेट था पूना में जहाँ वो धंधे की गली है सेक्स वर्क का सेक्स वर्क का काम चलता है वहाँ पे और वहाँ पे जाने के बाद मैंने एक औरत से पूछा मुझे कुछ काम मिल सकता है तो वो औरत ने मुझे ऐसे देखा हाँ बोली तुझे क्या काम चाहिए मैं दूंगी और हम चले गए उसके बाद फिर उसने समझा के बुझा के तो ऐसा मारा पीटा तो है नहीं मुझे और फिर समझा बुझा के बोला और उसके बाद मैं सबको चार दिन तो मैंने सेक्स वर्क किया ही नहीं चार दिन के बाद मैं सेक्स वर्क करना शुरू किया उस दौरान ऐसा हुआ कि एक बार मन में आया हो कि घर वापस चली जाऊं गुस्से में आ गई नहीं नहीं, नहीं आया या ऐसा कि मुझे तो एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना है नहीं आया उस क्योंकि मेरे घर का उस टाइम पे परिस्थिति ऐसा था कि मेरे खिलाफ़ सब हो गए थे इस पढ़ाई की वजह से कि नहीं ये कुछ भी हो जाए इसकी इस साल शादी करनी है और शादी करके भेज देना है इसका पढ़ाई विढ़ाई सब बंद इस तरह से मतलब मेरे दादा ने बोला ही था और फिर मैं वहाँ पे आई तो फिर उसके बाद चार दिन के बाद मैंने पहला कस्टमर किया वो कस्टमर कितना पैसा दिया था पता है दो सौ रुपये और वो दो सौ रुपये मुझे दो लाख के तरह लगे हाथ में ऐसा लगा कि ये दो सौ रुपये बहुत सारे पैसे मेरे हाथ में आए और आप कमाई आहा, पूछो ही मत जब तक बाप कमा कमाई होती है तब तक वो थोड़ा सा ऐसा ऐसा होता है क्या खाने का दादा कुछ बोलेगा वहनी कुछ बोलेगी मेरी माँ कुछ बोलेगी नहीं जब आप कमाई आई हाथ में तो बहुत सुकून आया कि ये मेरी पहली कमाई है और फिर मैं इससे अब मेरे मन चाह में ड्रेस पहनूंगी मैं जहाँ चाहे वहाँ घूमूंगी मैं जो चाहे वो खाऊंगी दूसरी बात फिर और मुझे जैसे रहना है मैं वैसे रहूंगी बताइए बताइए जब आप वहाँ चार दिन के लिए थी तब तो वहाँ रहने की कंडीशन कैसी थी बुधवार पेट में और क्या कमीशन क्या तो आपने देखा होगा ना चार दिन में यहाँ काम कैसा चल रहा है हाँ देखा ना मेरे काम कैसे चल रहा है वो देखा होता है? तब कैसा होता था? मतलब तब ऐसा कि महिलाएं कस्टमर आते थे कस्टमर को लेके जाती थी और मैं देखती थी, थी उनको और मैंने एक दो जन से पूछा भी कि आप क्या करते हो अंदर जाके तो उसने बोला अरे पगली ये धंधा होता है धंधा मैंने बोला धंधा किस चीज़ का कुछ गलत बेचते हो क्या तो वो बोले है गलत कैसे गलत नहीं बेचते हैं। तो वो वो लड़की मेरे ध्यान में अभी भी है वो लड़की ये बोली थी कि हम पैसा लेते हैं और उनको सुख देते फिर मैंने सोचा ये सुख क्या है अब कौन सा सुख देती है ये गब अच्छी अच्छी बातें करके आती है क्या फिर वो लड़की ने फिर से मुझे समझाया कि इस तरह से करना होता है इस तरह से मतलब सेक्स वर्क होता है और इस तरह से काम करते हैं और ये काम को इस काम के हमें पैसे मिलते हैं तो इस तरह से उसने मुझे समझाया और उन चार दिनों में मैंने सब मतलब देख लिया वो कि किस तरह से रहना है किस तरह से बातें करनी है किसी के साथ किस तरह से कस्टमर के साथ बात करना है वो मैंने देख लिया था सब चार दिन में और जब वो दो सौ रुपये आए तो मुझे वो तब तो दो लाख के जैसे लगे थे हम लोग जब एक्टिविस्ट के लिखे हुए चीज़ें पढ़ते हैं या फिल्में देखते हैं तो उसमें देखा जाता है कि कई लड़कियों को बहला फुसला के लाया जाता है कोठों पे बेच दिया जाता है उनके साथ मारपीट की जाती है उनका शरीर जल्दी से विकसित हो जाए उनको इंजेक्शन वगैरह भी दिए जाते हैं ड्रग्स वगैरह भी कराई जाती है ऐसी कई चीज़ें हमने पढ़ी हैं पुलिस की रिपोर्ट में और दूसरे में जब आप वहाँ बुधवार पेट पहुँची तो वहाँ इस तरह का कुछ आपने देखा नहीं मैंने इस तरह का इस तरह का देखा भी नहीं आ, मतलब इस तरह का मैंने देखा ही नहीं कि कहाँ पे मारपीट होती है या कोई किसी को कुछ ड्रग दे रहा है या कुछ उसको इंजेक्शन लगा रहे कुछ भी नहीं देखा मैंने इसमें लेकिन हम आ, ये बात हमेशा से बोलते हैं कि बोलते मतलब अनुभव की बात बोल रही हूँ कि फिल्मों में दिखाते हैं और जो लिखा जाता है इन चीजों में और रियल सेक्स वर्क में बहुत फर्क है बहुत फर्क है बहुत ही फर्क है फिल्मों में अगर हम देखते हैं तो फिल्मों में ज्यादा तो अपने दिमाग में जो बातें आती है कि हमेशा से वर्क जो सेक्स वर्कर जो है सिगरेट पीती हुई दिखाई चाहिए दिखनी चाहिए नहीं मैं सही बात बताऊं, नाइन्टी परसेंट सेक्स वर्कर होंगी जो सिगरेट नहीं पीती होगी लेकिन उनको इतनी बुरा बुरी तरह दिखाया जाता है और फिर बहुत सारी ऐसे दिखाते हैं कि दारू पीती है बहुत सारी ऐसी दिखाते हैं कि वो गंदगी में गली कुचे में अरे हम ये कहते हैं कि गंदगी गली कुचा जो दिखाते हो आप कभी एक बार आंखें उस सेक्स वर्कर के गली में देखो तो देखो जो आंखों से नहीं देखा है आप वो लिखते हो तो ये मुझे लगता है है कि बहुत गलत है ना नहीं लिखना चाहिए जो आंखों से देखेंगे वही तो लिखना चाहिए पर ही कई जब एन के साथ पुलिस रेड डालती है जैसे दिल्ली में या कई जगहों पर तो छोटे छोटे दड़बे बने होते हैं छोटे छोटे केबिन जिनमें बच्चियों को रखा जाता है कोई किडनैप करके लाई गई किसी को बेच दिया गया तो ऐसे केसेस भी तो आते हैं ना ऐसे केसेस भी आते हैं बात सही है इसीलिए हम ये कहते हैं कि हमारे संस्था की अब मैं संस्था पे आ रही हूँ मैं जो जिस संस्था से हूँ वो संग्राम संस्था है और जिस संगठन से मैं हूँ वो वैश्यान्याय मुक्ति परिषद ये सांगली में है महाराष्ट्र में और वैश्यान्याय मुक्ति परिषद जो है वो पांच हजार पांच सौ सेक्स वर्कर के साथ पांच जिलों में कार्यरत है अभी कौन कौन से जिले हैं ये ये महाराष्ट्र है सांग, सातारा है सांगली है कोल्हापुर है और बागलगांव और बेलकोट बागलगांव बागलकोट और बेड़गांव पांच अगल पांच अगल बगल के जिले हैं इसमें पांच हजार पांच सौ औरतों के साथ पिछले तीस सालों से जैसे कि हमारे अधिकार है हमारे बच्चों की शिक्षा है हमारा आरोग्य है इसलिए कार्यरत है अभी पिछले तीस सालों से और हम अगर इस संस्था और संगठना की जब बात करते हैं 1990 में संग्राम ने सेक्सवर्कर के साथ हेल्थ के विषय में काम शुरू किया मुझे लगता है तब एच का भी बहुत बोलबाला था और एच पे जब काम करना शुरू किया संग्राम ने तो पहले तो कंडोम के बारे में बताया गया फिर हमारे जो अधिकार है हक है इसके बारे में बताया गया और पहले जब होता था ना कि जैसे कि अब इन पांच जिलों से तो पांच जिलों की तो मतलब जानकारी होनी चाहिए तो इसके लिए क्या करेंगे बाबा तो इसके लिए एक दिन रखा मंडे और इस मंडे मीटिंग को हम आज तक चलाते हैं इस मंडे मीटिंग में अगर हम देखते हैं तो हर जिले के प्रतिनिधि आते हैं वहां पे अपने अपने जिले की बात करने के लिए और इसमें यह भी देखा गया कि बाबा आरोग्य की जब बात हो रही थी हेल्थ की जब बात हो रही थी तो ये भी बताया जाता था कि कनाडा में एक एक मतलब एक बोलते हैं इस तरह की नम आरोग्य नम कयाग मतलब मेरा आरोग्य मेरे हाथ में जब मैं निरोध यूज करूंगी या कंडोम यूज करूंगी तो मुझे तो मुझे कोई बीमारी नहीं आएगी पानी रखा हुआ अगर आपको पीना हो आ, मुझे कोई बीमारी नहीं आएगी जैसे कि एच नहीं आएगा एस नहीं आएगा मुझे अनचाही प्रेग्नेंसी नहीं होगी और इस तरह से जब बता मतलब बताया जा रहा था तो एक, एक बात हमेशा से मतलब संग्राम की मुझे बहुत अच्छी लगती है ये बात कि उन्होंने हमें कभी मतलब ये नहीं किया ऐसा ये होना ही चाहिए ये करना है तुमको इस तरह से नहीं किया कि कोई भी चीज हो कोई भी चीज हो उसके सिर्फ महत्व समझाए गए हमें कि इससे क्या होगा आपने अगर कंडोम को यूज किया तो आपको मतलब आपको क्या फायदा मिलेगा आप मतलब ना आप अगर अपना खून चेक करते हो तो इससे क्या फायदा होगा और उस टाइम पे मुझे लगता है कि मतलब ये बातें बस जानकारी देते गए और उस मतलब रास्ते दिखाते गए और रास्तों पे चलना या ना चलना हमारी ना वो हमने हम चले और हम अच्छी तरह से जी रहे हैं अभी आपको कब पता चला कि आपको भी एचआईवी है मुझे 97 सेवन में पता चला अच्छा क्या कोई कैंप वगैरह लगा था खून की जांच हुई थी या तबियत आपको बिगड़ी लगी क्या हुई? नहीं खून की मतलब कैंप तो नहीं लगा था कैंप लगता था लेकिन हम ठहरे किरण कैंप अगर लग गया तो वो कैंप वाले नीचे आने से पहले हम भाग के वो दीवार पे से कूद के वो रेलवे रेलवे पासिंग था उसके परे उनके हाथ कभी लगे ही नहीं क्यों भाग जाती थी आप किस चीज से डरती थी हमें डर लगता था पता नहीं था मतलब वो नहीं 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 मुझे कराना ही नहीं है मतलब ये होता था खून की जांच नहीं करानी खून की जांच नहीं करानी लेकिन 97 में जब तब तक आपके बच्चे हो चुके थे तीनों ओ नहीं तो 97 में मैंने जब ये किया ना एक एक बच्ची हो गई थी मुझे बड़ी वाली थी छोटी वाली पेट में थी और तब वो जांच की थी मैंने अब डिलीवरी के लिए नाम देना है और तब तो ये हुआ कि नहीं नहीं खून की जांच तो होगी होगी डिलीवरी तो, सरकारी अस्पताल में होती हाँ, थी और फिर तब वो पॉजिटिव रिपोर्ट आया लेकिन डर लगा उस समय पता था ये बीमारी क्या है बताया किसी ने पता बताया था जैसे कि हमारे सीनियर थे अभी हमारे बीच नहीं रहे हम जब तब तक हम सांगली भी आ गए थे और बताया था पुणे से सांगली आ गए थे या बीच में कहीं और भी गए थे नहीं नहीं मैं बस पुणे में गया पुणे में छः महीना तक वहां पे रही उसके बाद मैं सांगली चली गई फिर मैं सांगली से कहीं गई ही नहीं पुणे से सांगली जाने की क्या वजह थी पुणे से सांगली जाने की ये वजह थी कि जो वो जो वो मेरी घरवाली थी। घरवाली मैडम को घरवाली बोलते ब्रोथल मैडम को घरवाली बोलते तो वो जो मेरी घरवाली थी वो थोड़ा बहुत मतलब मुझे ये करती थी पैसा नहीं देना बराबर से और फिर कमीशन घरवाली आधा 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 मतलब कोई कस्टमर सौ रुपए दे गया तो पचास पचास मेरे पचास उसके किसने दो दिए दो सौ उसके सौ मेरे और पूरा वो जो घर का खर्चा खाने का बिजली वो हाँ। सब उनका हाँ, बिजली बिजली का सब वो उसमें ही आ जाता था लेकिन खाने का पैसा जो है वो अलग से देना पड़ता था और वो बराबर से पैसे भी नहीं देती थी और इतनी बंदिश मतलब उसने जिस जिस चीज को मैं घर जिस चीज की वजह से घर छोड़ आई वही मुझे फिर से यहाँ पे होने लगा कैसा? कि वो तीसरे मंजिल पे मतलब तीसरे फ्लोर पे रहती थी और वहां से मुझे नीचे नहीं आने देते थे बस बिल्कुल ऐसा अगर मैं टॉयलेट के लिए भी जाती हूँ तो मेरे साथ दो औरतें रहती थी साथ में क्यों ऐसा क्यों था कि मैं कहीं भाग ना जाऊँ फिर से पर आपने तो बोला शुरू में जब चार दिन आप रही और काम शुरू नहीं किया? वो तो सब हुआ ना लेकिन बाद में बाद में इस तरह से होने लगा ना मतलब वहाँ से कोई अगर निकलना चाहे तो नहीं निकल सकता नहीं नहीं वो उस टाइम था तो और फिर मैंने ऐसे ही बोल दिया मेरी एक दोस्त थी उसका नाम आरती था कर्नाटक से थी वो मैंने उसको बोला देखना इस तरह से होगा तो कैसे चलेगा आरती तो उसने बोला मुझे कि तू यहाँ से सांगली चली जा मेरे बुआ का घर है वहाँ पे और मेरी बुआ बहुत अच्छी तरह से संभालेगी वो भी मैडम थी ब्रोथल मैडम थी नहीं नहीं वो मतलब काम करने के लिए आई थी सेक्स वर्कर थी वो नहीं नहीं जो बुआ रहती थी सांगली में हाँ, वो भी ब्रोथल मैडम थी अच्छा हाँ। तो उस तरह से हम आए अच्छा हम तो फिर आप कैसे निकली क्योंकि आप तो बोल रही हमेशा निगरानी रहती निकाल, निकालते नहीं थे मैं सुबह चार बजे उठी चार बजे उठ के मैं अकेली आई नीचे पैरों का आवाज नहीं कुछ नहीं वहां से नीचे आके बिल्कुल आई और मेरे पास कितने बीस रुपए थे उस टाइम और वो रिक्शा बाकी रुपए सब बाकी का पैसा उसके पास था और वो रिक्शा वाला को बोला मैंने मुझे रेलवे स्टेशन पे छोड़ना तो उसने बोला चल उसने छोड़ा <laughs> छोड़ने के बाद मैं पूरा दिन वो जो सुलभ शौचालय होता है ना रेलवे स्टेशन पे उसमें बैठी थी फिर रात के नौ बजे उठ के ट्रेन में बैठ गई विदाउट टिकट और फिर मैं सांगली आ गई लेकिन सांगली आ गई तो सुबह चार बजे थे और चार बजे फिर मैं वो सांग हमारे यहाँ सांगली रेलवे स्टेशन के बाहर एक बड़ा सा सर्कल बना हुआ है अभी भी है मैं उस सर्कल सर्कल के पास जाके बैठ गई तो एक रिक्शा वाला पूछता है ताई आप कहाँ जाओगे मैंने बोला मुझे वो गोकुलनगर में जाना है लेकिन मेरे पास पैसे हैं नहीं तो बोला चलो ना मैं छोड़ देता हूँ पैसे का बाद में देख लेंगे और जब छोड़ने को वो आया उसने मुझे छोड़ा लेकिन मेरे दोस्त के बुआ के घर पे छोड़ा ही नहीं दूसरों के घर पे छोड़ा और फिर मैं उसके क्या उसका कमीशन लगा था क्या कहीं कही? नहीं 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 ऐसे नहीं सभी के दरवाजे बंद थे तो कंफ्यूजन रहा होगा कंफ्यूजन हो गया होगा और उसने छोड़ा तो मैं दूसरे के घर में रह गई लेकिन वो जो घर वाली मिली थी मतलब जो मेरी घरवाली मिली मुझे सांगली में वो बहुत ही अच्छी थी बहुत मतलब इतनी अच्छी थी कि जरा जो हम को तो आइडिया है नहीं अच्छी घर वाली मतलब कैसी होती है और बुरी घरवाली कैसी होती है नहीं हमारे हिसाब से तो सभी अच्छी है अभी तो लेकिन बुरी घर वाली अगर हम बोलेंगे तो फिर देखो अभी आप भी घर वाली है कौन आप मैं नहीं हूँ अच्छा तो <laughs> मैं हूँ घरवाली अभी <laughs> हाँ। घर वाली तो हूँ नहीं लेकिन ठीक है मेरे साथ मेरे साथ और भी लड़कियां धंधा करती है घर में हम लोग एक ही घर में करते हैं तो, तो वो वो ऐसे बोलते हैं ताई आपके लिए कि ये अच्छी है आप सख्ती हाँ, करते हो उन हाँ, सख्ती नहीं, नहीं, नहीं करती हूँ किसके ऊपर क्यों सख्ती करना कोई अपनी मर्जी से काम कर रहा है अच्छी तरह से काम करना है हमें क्यों हाँ, वो अपना कमा रहा है हम अपना कमाएंगे आप कितना कमीशन लेते हो फिर मैं आधा मैं आधा दे मतलब हमारे यहाँ पे इस तरह का रूल नियम है नियम ये पहले से पहले से आधा आधा घरवाली का आधा मेरा आधा जिस घर में मैं रही एक्चुअली उसने मुझे सब ये एच एचआईवी के बारे में और कंडोम के बारे में उसने बताया मुझे सांगली में. सांगली में। में। और क्या नाम था उनका उनका नाम भीमावा था भीमावा अरे और उसने बहुत अच्छी तरह से मतलब मेरी देखभाल भी की अपने बच्चों जैसे उसने मतलब संभाला तो बताइए था कि जैसे जब कोई सेक्स वर्कर प्रेग्नेंट हो जाती है हुँ. तो वो कितने महीने तक वो सेक्स वर्क करती रहती है फिर कब वो सेक्स वर्क से अलग फिर उनकी देखभाल कैसे होती है जरा वो समझाइए जब तक देखो कैसे है ना कि अगर हमें आ, मतलब बच्चा भी आ, लाना है अपने लिए तो वो कम से कम पाँच या पाँच या छठे महीने तक वो धंधा करेगी उसके बाद नहीं करती है और वो इतनी तैयारी में मतलब अभी तो अगर अभी की हम बात करते हैं तो सेक्स वर्कर अभी पैसे जोड़ लेती है पहले उसके बाद डिलीवरी का सोच, सोचती है कि हाँ मैं डिलीवरी हो जाऊंगी तो कम से कम मैं एक साल तक तो नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरा बच्चा छोटा रहेगा और फिर आ, मुझे घर भी देखना है तो इस तरह से वो पहले पैसा जमा करती है और उसके बाद इसका देखती है डिलीवरी का लेकिन उस टाइम पे ऐसा नहीं था जब पहले था वो तो ये बच्चे आ, जैसे आजकल हम लोग घरों में देखते हैं जैसे जब हस्बैंड और वाइफ बच्चा प्लान करते हैं तो ज़्यादातर केसेस में वो प्लान करते हैं बच्चा कि अब हमें बच्चा चाहिए है ना तो फिर वो जो प्रोटेक्शन होता है वो हटा लेते हैं सेक्स वर्कर्स के, के केस में जब उनके पीरियड मिस होते हैं तब उन्हें पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट हो गई या प्लान होता है कैसे होता है प्लान तो नहीं लेकिन उस अगर अभी अगर हम अभी की बात अगर करेंगे तो सेक्स वर्कर को अगर बच्चा चाहिए तो वो अपने पार्टनर से पूछेगी पार्टनर से उसका टेस्टिंग करवाएगी वो निगेटिव है एच आई वी वो हाँ वो सेक्स वर्कर भी निगेटिव है वो बच्चा करेगी अच्छा तो मतलब इतना तो पर आप लोगों के टाइम पे ऐसा नहीं था हमारे टाइम पे ऐसा नहीं था और फिर जब प्रेग्नेंट हो जाते थे तब उनको पता चल जाता था और ठीक होता था लेकिन ये बात भी सही है कि मैं अपने संस्था के मतलब अपने संस्था के साथ जुड़ के मैं जितना अ, मतलब ना कि ये मंडे मीटिंग तो हो ही गया उसके बाद में हम जब संस्था के अ, संस्था अ, हमें अ, हर एक बात के लिए ट्रेनिंग देते थे हमारे अधिकार क्या है हम एक महिला होके भी हमारे अधिकार है हुँ. ये क्यों नहीं समझ रहे हो आप आपको समझना चाहिए और जैसे कि Uh, हम एचआईवी के बारे में जब हमको बार-बार बार-बार ट्रेनिंग दिया जाता था तब ये बहुत मतलब इतना संग्राम ने हमको इतना एक छोटी-छोटी छोटी-छोटी बातों से हमें uh, सिखाया है ये मीना जी ने शुरू किया जी, है मीना जी, जी हाँ, मीना जी इंडियन एक्सप्रेस अखबार की रिपोर्टर थी मीना जी जो मीना जी जो है वो संग्राम की जनरल सेक्रेटरी है और वो पहले इंडियन एक्सप्रेस में वो लिखती थी रिपोर्टर थी तो ये बताइए कि ये कि किरण जी तो कोई एच का कैंप हो रहा है कोई ऐसी संस्था आ रही तो पटरी के पार भाग जाती थी फिर कैसे राजी हुई कि अच्छा टेस्ट करा लेती हूँ या वो प्रेगनेंसी में मैं प्रेगनेंट हो गई मेरे तो भाग नहीं पाई फिर भागने का पता भाग तो तभी भी सकती ना हाँ। लेकिन मुझे तब भागना नहीं था मुझे हॉस्पिटल में नाम लिखवाना था क्योंकि मुझे डिलीवरी करानी थी और फिर हॉस्पिटल में गए तो उधर नाम वो खून टेस्ट हो ही गया तो इस वजह से ना और फिर हमें पता चला कि हम पॉजिटिव है थोड़ा दुख हुआ बट हमारे जो संगी साथी थे इसमें वैम्प के वैम्प में आ, हमारे गली में तो उन्होंने बोला अरे क्या हुआ तो क्या हुआ ठीक है आगे का आगे देखेंगे लेकिन हमें यह देखना है कि मुझे एच हुआ तो मुझे दूसरे को देने का अधिकार नहीं है और नहीं मैं दूंगी और मैं जब जैसे जी रही हूं अभी हमें इतना अच्छी तरह से मतलब एच के साथ इतनी अच्छी तरह से रहना है कि मैं पूरी जिंदगी जीऊंगी मेरी एक दोस्त थी मीना मी उस उसका नाम मीनाक्षी था पासवे हो गई उसने बोला मेरे को क्या किरण है तो है ना हो गया तो क्या करेंगे अब आया है तो वापस भेजेंगे क्या आने दे लेकिन दवाई विवाई है देख लेंगे जब दवाई आएगी तब दवाई खाएंगे और अपने आप को बहुत अच्छी तरह से संभालेंगे हम उसकी एक बात बहुत अच्छी अभी तक याद में रहती है खुद पे प्यार करो बाद में दूसरों पे अगर खुद पे प्यार करेंगे तो हम अपना मतलब अपने को अच्छी तरह से रख पाएंगे आप ये बता रही खुद से प्यार करने की बात जब आप लोग वहाँ सांगली में सब लोग रहते हैं किस तरह की दिक्कतें आती हैं कस्टमर के लेवल पे पुलिस के लेवल पे या और किसी लेवल पे दिक्कतें तो बहुत आती थी पहले पहले भी आती थी मतलब पहले बहुत ज़्यादा आती थी अभी कम आती कैसी दिक्कतें आती थी पहले बहुत दिक्कतें मतलब आ, शाम के टाइम पे अगर हम बाहर बैठे भी है धंधे के लिए तो पुलिस आती थी और जूते रहते थे उनके पैर में वैसे ही लात मार के निकल जाती थी अगर पुलिस को सेक्स चाहिए तो वो पैसा नहीं देगा और तब हम थोड़ा मतलब ये करते थे ना कि कंडोम यूज़ करेंगे कंडोम यूज़ करेंगे तो विदाउट कंडोम के सेक्स करके चले जाती थी पुलिस भी उनको ये डर नहीं होता था कि उनको हो सकते हैं नहीं था डर उनको पता नहीं क्या था वो और फिर उसके बाद जो लोकल गुंडा होते थे आने का का बहुत दादागिरी करने का, किस तरह की दादागिरी क्या हथियार लिए होते थे वो लोग हथियार लेके आते थे कोई डंडे लेके आते थे कोई तलवार लेके आता था तलवार लेके जी कोई मतलब ऐसे ही आता था फायरिंग करके निकल जाता था और इस तरह का जब ये होता था तो इस तरह की गुंडागिरी भी बहुत होती थी और ये बात जब हमारे हम ये बात मंडे मीटिंग मैंने आपको अभी अभी बताया कि मंडे अभी अभी बताया मंडे मीटिंग अभी भी चलती है तो मंडे मीटिंग में ये सब बातें होती थी अगर कोई सातारा से आता है तेरी गली में क्या हुआ मेरी गली में ऐसे ऐसे हुआ वो गुंडा इस तरह से हमको किया तेरी गली में क्या हुआ मेरे गली में आया गुंडा और फायरिंग करके निकल गया मतलब इस तरह के जब बातें होती थी हम लोगों को अभी भी याद है कि हमें मीना जी ने बोला था देखो मैं तुम्हारे साथ काम करती हूँ काम मतलब सोशल वर्कर का काम करती हूँ दिन भर में आऊंगी तुम्हें जानकारी दूंगी तुम्हारे साथ बात करूंगी रात को क्या होगा कोई गुंडा आएगा कोई पुलिस आएगा कोई भी आएगा तुमको कैसे भी मार के चला जाएगा ये तो मैं सहन नहीं कर मतलब ये मुझे तो कुछ तकलीफ नहीं होगी मैं शाम को आऊंगी मेरे घर में कलर टीवी लगाऊंगी और कलर टीवी पे फिल्म देखते बैठूंगी सहना आपको है सहना आप लोगों को है आप सोचो क्या करोगे अब ये बात सुन के तो बहुत ऐसा हुआ था वो टाइम पे कि अरे हाँ ये तो ये बात भी सही है तो क्या करे और ये बात सोचते सोचते आए और एक गुंडा के करने लगा ना दादागिरी हाथ में डंडा लिया है ऐंडी लॉक बंद करो चलो किया करने पे जो हम एक हमारी एक सीनियर एक थी लीडर वो पासवे हो गई पिछले साल उसने रस्ते पे ही साड़ी खोल दिया खुद का वो सिर्फ परकर और ब्लाउज पे खड़ी थी और बाकी के जो औरतें आए सभी ने उसको पकड़ लिया एक साथ वो गुंडे को फिर क्या लाइट के खंभे से बांध दिया वो साड़ी से जिसके हाथ में जो आया मतलब घर की चीजें जो होती है बैलन चमचा वो बड़ी कड़ची वो अपनी पकड़ जो आप बर्तन पकड़ते हुए ऐसी पकड़ झाड़ू क्या मिला वो उसके आँख में लाल तीखा डाला उसको धो धोया धो धोया धो, धो धोया बहुत मारा उसको और फिर क्या होता है ना वही एक को सीख मिली तो दस जन सुधर जाते हैं लेकिन ये कब होता है जब संगठित होते हैं और इसी तरह से जब संघटना एक मतलब संगठित जब होते हैं तब ये सब होता है एक की कोई नहीं सुनेगा अगर एक को वो गुंडे को अकेला कोई मारने जाता तो वो गुंडा उसको ही मार देता लेकिन ये इकट्ठा आए इसलिए ये सब बातें हुई उसी तरह हम बात करते हैं सिविल हॉस्पिटल की सिविल हॉस्पिटल मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल hmm. पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जब हम जाते थे तो हमारे साथ बहुत ही भेदभाव सिर्फ हम बोलेंगे ना कहा डॉक्टर ने नाम पूछा हाँ बोल दिया कहाँ पे रहते हो गोकुल नगर गोकुल नगर क्या होता है तुमको वहां पे जाके खड़े हो क्या होता है सर ये होता है वो होता है ठीक है लिख दिया हाँ ये लो निकलो वो डॉक्टर भी इस तरह से पेश आते थे दूसरी बात यह है कि जो एच आई वी पॉजिटिव है उनके साथ तो इतना भेदभाव होता था पूछो मत हाथ लगा के चेक नहीं करने का उनको किसी डॉक्टर मतलब हाथ नहीं लगाते हैं डॉक्टर नहीं हाथ लगाते थे तब ये तो हम सब लोग जो डॉक्टर नहीं भी हमें बताया कि छुआछूत की बीमारी नहीं है वो लेकिन उस टाइम पे डॉक्टर ही ऐसा करते थे और जब हम गए वहाँ एच आई वी पॉजिटिव है सीधा खड़े रहो वहाँ पे आने का नहीं हमको मालूम है गोकुल नगर में रहती हो धंधा करती हो ये जो इस तरह से बातें होती थी ना ये बहुत मतलब भेदभाव वाली और कलंक वाली होती थी <coughs> जब हमने जब हमारे साथ में संग्राम ने हमारे साथ काम शुरू किया तो ये हेल्थ के साथ काम शुरू किया तो पहले सबसे पहला ये प्रश्न आया कि ये भेदभाव और ये कलंक हटना चाहिए और इसी के लिए हम भी इसी हम भी हमारे साथ में भी हो, हो आता कि जब हम गए हॉस्पिटल दिखाने के लिए मेरे पेट में बहुत बड़ा हरनिया था और हम दिखाने जाते थे तो डॉक्टर हमेशा कहते थे तुम्हारा सी डी फोर कम है तुम्हारा एच बहुत कम है अच्छा एक काम करो अगले हफ्ते आ जाओ मतलब ये जो टालने वाली चीज़ें होती थी ना वो बहुत सारी होती थी और जब हम इकट्ठा आए और कंडोम कंडोम के लिए भी हमने मोर्चा निकाला आपको पता है उस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ईआरटी सेंटर नहीं था सभी पेशेंट एक जगह पे और क्या होता था जो सी फोर करने के लिए खड़े रहते थे ना पेशेंट उन लोगों को बहुत ही भेदभाव की दृष्टि से देखा जाता था कि जैसे कि आ, मतलब आ, कोई तो छूत की बीमारी है इनको एच जिनको है उनको कोई छूत की बीमारी है इस तरह से संग्राम ने सिविल हॉस्पिटल के साथ एडवसी करके छह महीने तक एडवोकेसी किया एक जगह दिया वो सिविल हॉस्पिटल ने और संग्राम ने अपने खुद के जेब से पैसा खर्चा करके वो सेंटर बनाया जो जो अभी अभी तक तक चल चल रहा रहा है है साल हो गया जो अभी तक चल रहा है। अच्छा जैसे आप ये बता रही हैं कि एच होने के बाद किस तरह का भेदभाव होता है जब किसी सेक्स वर्कर को एच हो जाता है तो कोई कस्टमर जब उनके पास आता है तो वो क्या बताती हैं या सिर्फ इतना बोलती हैं कि आप प्लीज कॉन्डम यूज करो कैसे मतलब ये नहीं जब कंडोम की बात आती है ना तो कंडोम तो बहुत साल हो गया अभी कंपल्सर यूज करते हैं बहुत साल हो गए उसको लेकिन जब पहली बार पहले पहले हम कंडोम की बात बोलते थे ना तब हमने टाइम के मायने नहीं रखे जैसे कि अभी अगर हम देखते हैं ना तो एक कस्टमर आता है दस से पंद्रह मिनट बहुत हो गए लेकिन उस टाइम पे कंडोम की जानकारी देने के लिए हम घंटा घंटा भर उस कस्टमर के साथ बात करते थे वो बोलता था नहीं यूज करूंगा हम बोलते थे, थे आपको यूज करना है और ये जो कस्टमर आते थे वो लोग आप लोग उनसे बात करती थी कि तुम क्या काम करते हो मतलब किस पेशे में हो किस मतलब? तरह के मतलब जो कस्टमर आते थे जैसे हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो रोड साइड पे सेक्स वर्क करते हैं तो

तुझे तुझे एच आई आ जाएगा क्या नहीं फिर तेरे तेरे से तेरे घर पे जाएगा क्या नहीं वो भी तो बेचारी एक महिला है तेरी बीवी है वो ऐसा नहीं करते फिर अगर वो बोलता था हाँ फिर क्या तू तो पॉजिटिव है क्या अरे मैं नहीं है और तुझे एच आई होगा तो वो मैं मुझे नहीं आएगा मतलब इस तरह का जो समझाना होता है ये होता था और ह, और हम इसमें कामयाब भी रहे क्योंकि जो पुरुष अपने घर में अपने बीवी की नहीं सुनता है वो पुरुष को हमने कंडोम पहनने के लिए अभी मतलब अभी मतलब अगर हम देखते तो सौ टका कंडोम यूज होता है उस पुरुष को हमने कंडोम के लिए मनाया अच्छा जब सेक्स वर्कर्स के बच्चे होते हैं तब तो जैसे वहां पे बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह बनता है या बाद में स्कूल में दाखिला होता है तब पिता के नाम वाले कॉलम को कैसे मैनेज करते थे आप लोग ये जो है अब अगर अभी अगर हम देखते हैं तो हम ज्यादा तो अगर कोई सेक्स वर्कर डिलीवरी होती है तो हम ज्यादा तो उस सेक्स वर्कर का ही नाम लगाते हैं बच्चे का नाम नहीं लगाते हैं बच्चे को बाप का नाम नहीं लगाते माँ का नाम लगाते हैं इसमें भी एक बात है कि जैसे कि हम पहले क्या हुआ था कि हमारे बच्चे स्कूल में जाते थे तो स्कूल में जाते थे तो बाप का नाम पूछते थे हेडमास्टर मास्टरों को पता होता था कि ये गोकुल नगर से आए बच्चे हैं किसी को किसी को पता था किसी को नहीं था लेकिन बच्चों के साथ कोई भेदभाव तो नहीं होता था स्कूल में आ, वही बोल रही हूँ मैं कि जब हम बच्चों का दाखिला कराने जाते थे स्कूल को तब बाप का नाम पूछा जाता था पहले फिर क्या होता था अब हमारा कैसा है सेक्स वर्करों का छह महीने में एक पार्टनर पार्टनर बदलो उस बच्चे का दाखिला जब कराते थे जब अवेलेबल जो पार्टनर है उसका नाम देने का फिर अगर बच्चा अगर समझो शुभम है उसका बाप अगर कोई तो मतलब ये है मुस्लिम है कोई भी नाम हो मुस्लिम और फिर उसका सरनेम अगर देशमुख है तो ये कैसे मैच होगा कहीं पे भी तो मैच नहीं होगा ना तो इस वजह से कैसा होता है फिर ये बात जब हो गई हमारे संगठना में संस्था में संग्राम के साथ में भी ये बात हो गई फिर ये आया उसमें से कि बच्चों को माँ का नाम लगाएंगे क्योंकि एक बार हमने ये भी देखा कि मैं और मेरी दोस्त है संगीता है वो मैं अभी भी हम लोग एक औरत को लेके हम सिविल हॉस्पिटल गए डिलीवरी कराने के लिए उसके लेबर पेन हो रहे थे हम लोग हॉस्पिटल में गए हॉस्पिटल में गए और उस वो बहुत रो रही थी ज़ोर ज़ोर से तो मैंने सोचा कि लेबर पेन हो है इसलिए रो रही होंगी तो फिर मैंने ऐसे देखा एक डॉक्टर वो डॉक्टर कान में रख के चेक करता है ना उसको क्या बोलते हो उसको हाँ, आला बोलते हैं हाँ वो उससे उसको मार रहा था मार रहा था मार रहा था उसके सारे मांडी पे मार रहा था मैंने बोला ये क्या कर रहा है अंदर देखा तो ओ सर उसके ऐसे गिरेबान को पकड़ा ना पकड़ के उसको खींचा भार मैंने संगीता बोली संगीता और मैं दोनों भी साथ में ही थे तो इन्होंने मारा क्यों वो लड़की के लेबर पेन हो रहे हैं तुझे नहीं करना है ना डिलीवरी तू निकलना यहाँ से हम किसको दूसरे डॉक्टर को बुलाएंगे सरकारी हॉस्पिटल है ये तो क्या बोला डॉक्टर वो डॉक्टर ने वो वो डॉक्टर तो आया बाहर फिर उसका गिरेवान पकड़ा था मैंने इसलिए उसने सभी को बुलाया फिर उन्होंने पूछा मेरे से क्यों मारा आपने हाँ हमारी संगीता बोली वो हमारी वो हमारी लड़की को मार रहा है जोर जोर से लगता नहीं क्या हम क्या इंसान नहीं है क्या तो जब ये बोलने पे वो लड़की को वो लड़की को इसलिए मार रहा था वो कि उस उसकी एक आदत थी वो लड़की की जी जो भी पार्टनर करती थी उसका नाम गुदवाती थी इस तरह से हाथ पे नाम गुदवा के रखती थी और वो पूरा मतलब एक निबंध हो गया ना फिर यहाँ से यहाँ तक यह है कौन इनका नाम इसका क्या संबंध है बोल बोल के वो डॉक्टर मार रहा था और जब वो डॉक्टर को खींचा पकड़ के उसने सारे डॉक्टरों को बुलाया मैं सुनने वाली नहीं हमारी संगीता ने बोला कल हम लोग जाएंगे ही जाएंगे डीन के पास ये क्या बिहेवियर है तुम्हारा एक किस तरह से डिलीवरी कराते हो तुम लोग जब फिर एक पहचान वाली डॉक्टर थी उसने बोला किरण मेरी बात सुनो ऐसा मत करो मैं खुद कराऊंगी इनकी डिलीवरी मैं मैं करती हूं आप आपको मेरे पे भरोसा है या नहीं है मैं खुद कराऊंगी मैंने बोला आप करो नहीं तो दूसरे डॉक्टर से करो हम लोग यहीं पे खड़े रहेंगे हम जब तक खड़े रहे जब तक उसकी डिलीवरी ना डिलीवरी हुई सब कुछ उसका हो गया उसको ले जाके मतलब बेड पे डाला तब हम वहां से गए मतलब ये जो एक सेक्स वर्कर बोल के जो बात है ना वो ना तो कोई समझ के ही नहीं ले रह, लेता है इंसानियत नहीं दिखा इंसानियत नहीं दिखाता है जैसे कि सेक्स वर्कर है मर गई तो मरने दो जाने दो इस तरह से तो पुलिस वालों का कैसा बिहेवियर रहता है उनका बोल यही तो बोल रहे हो ना पुलिस वाले भी इसी तरह से जैसे एक तो आप बता रही थी आके जूतों से मार जाते हैं पैसे वो मार जाते हैं बिना मार जाते थे विदाउट कंडोम लगा के सेक्स करके जाते थे आपको बोलती हूँ पैसे भी मांगते थे पैसे हाँ कुछ हो गया तो अभी भी तो क्या करते हैं क्या करते हैं अभी गली में नहीं रुकते वो लोग गली में नहीं आते ठीक है लेकिन गली के बाहर जो भी कस्टमर गली के अंदर आता है ना उसको बाहर ही आने देने का फिर वो जाता है ना बाहर तब उसको रुकाने का वहाँ पे, उससे पैसे निकालने के नहीं तो चल तुझे पुलिस स्टेशन लेके जाता हूँ ए उस मीडिया वाले को बुला रहे इसका फ़ोटो छापेंगे इस तरह से वो डर के फिर वो इंसान दे ही देता है पैसे और जैसे कि अभी अभी पिछले साल की बात है एक पी आया था और वो पी हमेशा आता था और बहुत मतलब ऐसा स्टंट करता था गाड़ी पे खड़े रहने का उसका वो फोर व्हीलर गाड़ी रहता था ना उस पर गाड़ी पे खड़ा रहने का फिर एक आधा पैर ऐसा गाड़ी को लगा के खड़ा रहने का और अब गाड़ी लेके आता है पीएसआई खड़ा रहता है कौन कस्टमर आएगा और फिर हम कस्टमर नहीं आएंगे तो खाएंगे क्या ना तो उसको सभी ने पूछा एक दिन साहब आप धंधे के टाइम पे क्यों आते हो फिर हमारे धंधे का सारा नुकसान होता है कैसे पेट भरेंगे बच्चों की पढ़ाई कैसे करेंगे धंधे का टाइम टाइम क्या क्या होता है क्या होता है है ताई वैसे तो सुबह छह छह बजे से चालू होता है लेकिन ज्यादा जो मतलब भीड़ भाड़ का टाइम शाम का होता है 6 बजे से आगे और आके खड़ा रहता है क्या खाएंगे तो हाँ तुम लोग गलत काम करते हो तुम ये तुम तुम्हारा काम ही गलत है और मैं ये करूंगा मैं वो करूँगा क्या करूँगा वही तो कि मैं इसको बंद कराऊंगा तुम्हारे गली को ये तुम्हारा गली बहुत गली ही गलत है अच्छा ठीक है फिर घर सभी ने सोचा ठीक है फिर एक बार सबकी बात हो गई घर की सबकी सब, सब औरतें रोड पे आ गई उसके सामने खड़ी हो गई ओपीएसआई पी एस आई के अच्छा चल लेके जाएगा तू गली बंद कर चल लेके पुलिस स्टेशन हम हमारा पेट भरने का है तुझे हमारे बच्चों का पेट भरने का है हमारे बच्चों की पढ़ाई है और हम जिस शान से जीते हैं ना उसी तरह से संभालने का साहिबा बोले नहीं तो जब ऐसा होगा नहीं नहीं चलो ना साहब हम आ रहे ना चलो 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 निकलो निकलो चलो रिक्शा बोलो तुम्हारी गाड़ी में कितने जन बैठेंगे इस तरह से किया वो बेचारा ऐसे साइड साइड से साइड साइड से कट मार के जो गया वो फिर से वो गोकुल नगर में आया ही नहीं उसका अभी बदली हो गया अभी वो बदल के चला गया मतलब हम ये बोलना ये चाह रहे हैं कि संगठन में इतनी ताकत है कि वो अच्छे अच्छों को हिला के रख सकती है कोई मतलब और अगर हमें कोई आवाज़ उठानी है हमें किसी भी चीज़ के लिए आवाज़ उठानी है तो हमें संगठन होना बहुत जरूरी संगठित हो रहेंगे तो ही हम जीत पाएंगे नहीं तो हमारी आवाज़ कोई नहीं सुनने वाला है Uh, जब सेक्स वर्कर्स के बच्चे uh, बड़े होते हैं तब वो क्या उसमें कुछ ऐसे भी होते हैं बच्चे क्या जो अपनी माँ से बोलते हो कि हम भी इसी पेशे में आना चाहते हैं या सब पढ़ाई करके दूसरे पेशों में चले जाते हैं कैसा होता है जैसे आपके तीन बच्चे हैं नहीं कैसा होता है कि जब बच्चे बड़े होते हैं ठीक है अठारह अठारह साल तक उनको पढ़ाना लिखाना यह हमारी जिम्मेदारी और अठारह साल के बाद जब वो अडल्ट हो जाते हैं तो हम उनसे पूछते हैं आपको पढ़ना है या आपकी शादी करनी है या आपको मेरा घर संभालना है इन तीनों चीजों में से जो वो चूज करेगा उसकी मर्जी अगर कोई कहता है कि हमें सेक्स वर्क करना है तो ठीक है तेरी मर्जी कोई कहता है नहीं नहीं मुझे सेक्स वर्क नहीं करना है मुझे शादी करनी है ठीक है अच्छा सा घर देखेंगे उसकी शादी करेंगे आपके बच्चों ने क्या था मेरे बच्चों ने आ, आपके बेटे बेटी दो बेटी दो एक, एक एक बेटा मेरी जो लड़की है आ, बड़ी वाली जो लड़की है उसके उसने बोला मैं शादी करूंगी आ, उसकी शादी कर दी घर ढूंढने में दिक्कत आती थी नहीं वो पढ़ते थे वहीं पे घर ढूंढा था उनका उन्होंने अच्छा लड़की जहाँ पढ़ती थी लड़का मिला उनको प्यार हो गया तो लड़के के तो, घर वालों को पता है आप क्या काम करते हाँ अच्छा। दूसरी थी वो वो भी उसने भी उसने लव मैरिज किया तो शादी वहीं गोकुल नगर से करते हो कहीं बाहर हॉल लेके कैसे होता तो है, है। जैसी जिसकी मर्जी अच्छा। कभी गोकुल नगर में गो, गोकुल नगर का एक हॉल है बड़ा हमारा वहां पे करते है नहीं तो फिर कहीं बाहर इस तरह से भी होती है लेकिन कम्युनिटी हमारी कहीं पे भी शादी करो वहां पे आती आती है क्योंकि उनके बिना भी तो कोई हाँ, कोई बिल्कुल कोई छिपाने की चीज़ नहीं कोई छिपाने की चीज नहीं दूसरी है? लड़की ने क्या कहा दूसरी लड़की पढ़ते पढ़ते उसने भी शादी कर लिया उसके पति का मेडिकल शॉप है दोनों तर्रार है? हाँ वो छोटी वाली बहुत ये है शैतान है वो बड़ी वाली थोड़ी कम है बट छोटी वाली बहुत शैतान और बेटा क्या करता है आपका बेटा तो एक नंबर शैतान है अच्छा हाँ मेरा बेटा है। जो है वो पढ़ाई किया है आई टी आई करके अभी जॉब कर रहा है जॉब कर साथ में ही रहता है आ, वो गली में नहीं रहता है आ, उसकी भी शादी करके दी मैंने तो वो अलग साइड में रहता है बीवी को लेके कोई कोर्ट में आपको बुलाया गया जब ये सेक्स वर्कर्स पे पूरा मुकदमा चल रहा था जब ये हुआ हमारे इसमें रिसर्च में लिखा है की आपने बयान दिया के बताया वहाँ पे कोर्ट में कि किस तरह की दिक्कतें होती हैं आप लोगों को ऐसा कुछ हुआ था हाँ हाँ जैसे कि मतलब ना आ, एक पीएलडी प्रोग्राम चलता था जी जी उस पीएलडी प्रोग्राम के अंदर कर हम आ, मतलब वो सेक्स वर्कर क्या सेक्स वर्क क्या है और सेक्स वर्क में क्या क्या दिक्कतें आती है तो और आ, इसके लिए हम जाते थे तो पे? वहाँ पे यही दिल्ली में आते थे और कभी कभी रोहिणी कोर्ट के जजेस रहते थे वकील रहते थे और हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता था और उनको हम बताते थे तब आप नेशनल नेटवर्क ऑफ सेक्स वर्कर्स की प्रेसिडेंट भी थी 19 से 21 के बीच आ, नहीं ये उसके भी पहले की बात है आ, नहीं नहीं उसके भी पहले की बात है जब मैं नेशनल नेटवर्क ऑफ सेक्स वर्कर जो है ये हमारा एक नेटवर्क है सोना ने या किसी ने सो रहा है कोई आ, ये हमारा नेटवर्क है सॉरी वैसे ही हुआ तो ये हमारा एक नेटवर्क है जो इंडिया के नौ राज्य में चलता है नौ राज्य जो है वो कर्नाटका है महाराष्ट्र है आंध्र प्रदेश तमिलनाडु केरला झारखंड गुजरात तेलंगाना और दिल्ली आपका दिल्ली भी है हमारे पास तो दिल्ली और इन राज्यों में जो सेक्स वर्कर हाँ, है, वो वही हुई सब जुड़ के है और ये हमारे नेटवर्क में डेढ़ लाख से भी ज्यादा सेक्स वर्कर व्यक्ति है व्यक्ति मैं इसलिए बोल रही हूँ कि सेक्स वर्क का जब शब्द आता है तो महिला बहुत जल्दी आती है दिमाग में सेक्स वर्कर है महिला ही होगी लेकिन नहीं सेक्स वर्क एम एस एम मतलब मेल सेक्स मेल ये भी है हमारे नेटवर्क में और टीजी जो है वो भी है कौन है टीजी ट्रांसजेंडर ट्रांसजेंडर अच्छा वो भी है हमारे नेटवर्क में और डेढ़ लाख से ज्यादा लोग पुरुष महिला और ट्रांसजेंडर जो भी सेक्स वर्क में है वो है इस नेटवर्क में और नेटवर्क मतलब आ, उस टाइम पे मैं नहीं थी प्रेसिडेंट जब मैं पीएलडी के प्रोग्राम में जाती जब जाती तो जज साहब लोग क्या पूछा करते थे यही सब जैसे हम लोग पूछ रहे हैं क्या हाँ, होता है कैसे होता है क्या दिखता है उनको कि उस टाइम पे क्या हुआ था पता है कोल्हापुर में एक हमारा धंधे का गली था वो उठवाया था पुलिस ने और बिना मतलब कुछ भी ना बताए मतलब पहला कोई नोटिस ही नहीं है धड़ाधड़ आए घुसे निकाले और सड़क पे छोड़ दिया हाँ ये क्या बोलते हैं ताला लगा के बंद किया और कराड़ में तो आग ही लगा दी थी पूरी बस्ती लेकिन में। कराड़ में 2021 में पूरे मतलब गली में आग ही लगा दी आग लगाई तो लगाई ठीक है आग लगाई लगाई लेकिन जिस घर में औरतें थी वहां को बाहर से कुंडी लगाते चले गए बाहर से कुंडी लगाई बाहर से कुंडी लगा के उनका ये मतलब था कि अंदर जो भी है वो अंदर ही जल के राख हो जाए ऐसे सिलेंडर फूटे घर में जो इतनी दूर जाके कम से कम डेढ़ दो किलोमीटर के दूरी पे वो सिलेंडर जाके गिरे और हम लोग आने तक तो पूरा जल के राख हो गया था वो और पुलिस को पुलिस ने कंप्लेट पुलिस भी आई वहाँ पे लेकिन पुलिस ने क्या कंप्लेट लिख के लिया कि अचानक से आग लग गई अचानक से आग कैसे लगती है आग लगी अच्छा ठीक है वो टाइम पे ठंड भी बहुत थी हाँ लेकिन वो आग लगी तब उस टाइम पे पथरा जो था वो गर्म बहुत हुआ और अंदर जो औरतें सोई थी अरे वहां पर इतनी ठंडी में इतना मतलब ना इतना पसीना क्यों हो रहा है क्या हुआ ये सोच रही थी हम देखती है बाहर आकर अरे वापरे वापरे पूरी आग ही आग और अंदर से दूसरी औरतें चिल्ला रही जिनकी बाहर से कुंडी नहीं थी उन्होंने पहले तो जाके वो कुंडियां निकाली जो बाहर से लगी हुई थी उनके हाथ भी ऐसे छाले पड़ गए हाथों में क्योंकि कुंडियां भी गर्म हो गई थी ना और खोलने के बाद जहाँ पे रास्ता दिखा उनको भागने के लिए वो भाग गए तब इस तरफ से गए उस तरफ से गए उस तरफ से गए उस तरफ से गए और पूरा जल के राख हुआ लेकिन ऐसे समय में भी हम बोलते हैं ना कि कोई साथ नहीं देता पुलिस आई उसने अचानक से आग लग गई ये रिपोर्ट लिख दी फिर वहां पे जाके उसके साथ झगड़ा कर करके कर करके कर -कर के, उसको आग लगाई इस तरह से लिखना पड़ा वो पुलिस को तब आ, 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 हमारी मीना मैम भी साथ थी संग्राम के आरती मैम भी साथ थी मीना मैम भी साथ थी हम फिर वहाँ पे गए वो सब फिर से वो कंप्लेंट लिखाने के लिए बोला फिर ये मंत्री लोग आते थे गली में मंत्री देख के चले जाते थे जल गया है पूरा और आ, ऐसा हुआ अच्छा ठीक है ऐसा किसी औरत के साथ बात नहीं करना मंत्री ने देखना निकल जाना और वो मंत्री आएगा इसलिए एक घंटा भर दुख हमारे साथ हुआ है घर हमारे जले है और ये मंत्री की राह देखने के लिए हम घंटा भर रोड पे खड़े रहेंगे धूप में और इस तरह से वो जो उनका जो नगर सेवक था कॉर्पोरेटर बोलते ना आप उसको जी हाँ वो था वो बोला कि यारे हाँ वो वो बिल्डर के पास से सीमेंट मंगाएंगे वो लकड़ी वाले के पास से लकड़ी मंगाएंगे वो पथरा वाला भी पहचान का है उससे पथरा ले लेंगे इसके पास से रेती ले लेंगे और इनके घर खड़े करेंगे एक महीना हो गया हर दूसरे दिन उसको पूछने जाते क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, क्या हुआ? वो बोलता है मेरी मेरी बीवी बीमार है मेरा बच्चा बीमार है एक महीना तक देखा फिर लास्ट में क्या बोलते हैं ना कोई तो आया ही नहीं दौड़ के लास्ट में संग्राम ने उनके घर फिर से बनवा के दिए और पूरी जो हमारी कम्युनिटी है ये पांचों जिलों की ये कम्युनिटी सुबह शाम खाना उनके तरफ से था मतलब अपने ही जो अपने है ना, अपने ही परिवार के लोग अपने अपने काम आ गए क्योंकि तब तक तो किसी ने देखा नहीं ताई मैं दो सवाल और पूछूंगा फिर उसके बाद जो मेरे साथी हैं वो सवाल पूछेंगे कुलदीप जी बुला लीजिए सबको जिनको भी सवाल पूछ रहे हैं ऑल द गर्ल्स स्पेशली एंड बॉयज एज वेल जो पूछना चाहते हो दो चीज़ें बताइए कि एक तो कोई मर्जी से सेक्स वर्क कर रहा है पर बड़े पैमाने पे हम देखते हैं और ये सत्य भी है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है आ, कम उम्र की या कम उम्र की नहीं तो बालिक बच्चियों को झूठ बोल के बहला के फुसला के लाया जाता है और सेक्स वर्क में धकेल दिया जाता है है ना इस तरह की बहुत सारी रिपोर्ट आई है बहुत सारे विक्टिम्स के बयान आए हैं कोर्ट में सब जगह कभी आपके सामने ऐसा हुआ कि किसी लड़की को जबरन लाया गया और आप लोगों ने उसको रेस्क्यू कराया हो वापस भेजा हो क्योंकि एक तरफ तो आप कह रही कि सेक्स वर्कर के हक जो कि सही बात है हर इंसान की तरह उनके भी हक हाँ हैं पर उनके भी हक हाँ हैं जो इस काम में नहीं आना चाहती लेकिन उनको जबरन धकेल दिया जाता है जी जी बिल्कुल हम ये हमारी भूमिका ही रही है संग्राम और भैम की कि किसी के साथ जबरदस्ती मत करो अगर उसकी इच्छा है तो उसका धंधा करने दो नहीं तो वापस घर भेज दो हमारे साथ में भी इसी तरह से वाक्य हुआ है एक नेपाल की लड़की थी नेपाल में उसने उसका प्रेम हो गया किसी के साथ में और वो भाग्य मतलब भाग के शादी किया और वो लड़के ने बोला होगा चलो हम इंडिया जाएंगे कमाएंगे वो नेपाल से वो लड़के के साथ में आई और वो लड़के ने उसको जाके इलाहाबाद में बेचा मतलब एजेंट के थ्रू बेचा बेचने पे वो जो घरवाली थी वो बोलती थी मैं ये काम नहीं करूँगी मुझे नहीं करना है बट जो वो घरवाली थी उसने क्या किया उसका मोबाइल छीन लिया उसको बहुत मारती थी पीटती थी कि तुझे ये काम करना ही है इतना पैसा लेके गया है वो वो पैसे कौन देगा मेरे पैसा लेके गया था? पता नहीं वो कितने में बेचा उसने वो कौन देगा पैसा ना इस तरह से वो घरवाली बोलती थी लेकिन क्या हुआ वहाँ पे एक दिन रेड हो गया और उस रेड में ये लड़की जो है वो भाग निकली वो पुलिस को नहीं मिली अच्छा ये बेचारी तो इंडिया में आई है वो भी इलाहाबाद में है वो पहचान नहीं की तो किसको ना तो वो बस इसको पहचानती थी अपने एजेंट को फिर से वो एजेंट के पास चली गई एजेंट के पास जाने के बाद वो एजेंट ने क्या किया उसको सांगली लेके आया इलाहाबाद से सांगली सांगली लेके आया और गली में रखा उसको उसकी कोई तो पहचान वाली थी उसके घर में रखा तो ये लड़की बहुत ऐसी नाराज़ नाराज सी नाराज नाराज सी रहती थी और वो घरवाली को बताया उसने कि ये जो एजेंट है मेरा जीजा है वो लड़की ने वो नेपाली लड़की ने बताया तो ये नाराज नाराज सी रहती थी तो एक दिन वो घरवाली ने पूछा कि अरे क्या हुआ तो ऐसी नाराज़ नाराज़ सी क्यों रहती है क्या बात है मुझे खुल के बता तो उसने बोला कि देखो अम्मा वो एजेंट तो मेरा कोई जीजा वीजा नहीं था वो मुझे इलाहाबाद से यहाँ पे लेके आया है मुझे ये धंधा नहीं करना है मुझे मेरे माँ बाप के पास जाना है तेरे माँ बाप कहाँ पे रहते हैं तो नेपाल में सुक्कड़ गाँव है वहाँ पे रहते हैं फिर हमारे यहाँ पे है ना मैं थोड़ा सा ये, ये मतलब इस अनुभव के साथ बताऊंगी तंटा मुक्ति एक समिति है और मोहल्ला कमेटी मीटिंग होती है उसके बारे में थोड़े से इसमें तो उन्होंने बोला ये तंटा मुक्ति समिति को पूरा बताया उन्होंने कि ऐसे ऐसी लड़की है ऐसे ऐसी आई है इसका क्या करेंगे फिर ये तंटा मुक्ति वाले सब जन एक जगह बैठे उन्होंने सोचा दो देशों का ये मामला है एक तो नेपाल है एक तो भारत है इसका क्या करेंगे फिर ये गए सारे संग्राम के पास संग्राम ने फिर नेपाल में बात किया वहाँ पे भी एम जे से संस्था है उनके साथ बात किया और वो लड़की को नेपाल भेजने का प्रबंध किया खुद के पास के पैसे संग्राम ने वो लड़की को दिए वो लड़ वो हमारी का जो था वो मुक्ति की सदस्य थी उसकी घरवाली भी थी वो लड़की की वो लोग जाकर उसके घर छोड़ाए और जब उसके घर वो गई तो उसके मतलब उसके माँ बाप को नहीं बताया कि हम लोग सेक्स वर्क करें ऐसे क, ऐसे टाइम पे अपनी आइडेंटिटी भी छुपानी पड़ती है कि नहीं बताना होता है फिर उस लड़की को छोड़ा और फिर सांगली आए मतलब पासपोर्ट तो किसी के पास थे नहीं तो इस के भी कैसे जाते हाँ। हैं अच्छा ये बताइए ये ये, ये फिल्में आती हैं जैसे बेगम जान फिल्म आई गंगूबाई काठियावाड़ी आई है ना लक्ष्मी चमेली फिल्म आई थी करीना को आप लोग देखते हो ये फिल्म देखा ना गंगूबाई को देखा चमेली को देखा बेगम जान को भी देखा अरे बेगम जान का पता है बेगम जान फिल्म देखने के लिए गए थिएटर में कोई नहीं हम सात लोग थे थिएटर वाला बोला तेरे सात जन के लिए नहीं मैं थिएटर चालू करूंगा कम से कम बीस जन चाहिए वो टिकट खरीदे हमने क्योंकि बेगम जान को ही देखना है ना वो खरीदे वो टिकट खरीद के अपने पहचान के सारे दोस्तों को बुलाया और फिर बीस से भी ज्यादा हो गए सारे थिएटर में हमारा ही दंगा था वो टाइम पे मतलब देखना है तो कुछ ना मतलब इस तरह से बेगम जान को भी देखा लेकिन तो कैसा लगता है जो आप लोग असल में सेक्स हो पर्दे पे कुछ और कैसे दिखा रहे कितना सही गलत होता है बहुत गलत होता है बहुत देखो गंगू बाई में क्या मतलब गंगूबाई काठियावाड़ी में उसका रोना ही गलत है वायलेंस का सामना करने वाली औरत कैसी होनी चाहिए हमेशा से रोती हुई दिखती है अच्छी लगती है वो वो जब इतनी सारी बात करती है बड़ी बड़ी कि मैं अध्यक्ष बनूंगी कमाटीपुरा की रोने से नहीं कमाटीपुरा मतलब रोने से नहीं ना अध्यक्ष होता है मेरा एक तो एक तत्व है देखो पास्ट में जो हुआ उसे भूल जाओ पास्ट के लिए आज की खुशी क्यों खो नाम ने। है ना कभी आपने पॉलिटिक्स में जाने का सोचा क्यों इतना बड़ा पॉलिटिक्स है ना मेरे धंधे को ही वर्क नहीं मानते तो वही तो सबसे बड़ा पॉलिटिक्स है ना मैं क्यों जाऊं पॉलिटिक्स में कभी इलेक्शन लड़ने हम संघर्ष कर रहे हैं हमारे सेक्स वर्क को वर्क की मान्यता मिलनी चाहिए हमारे धंधे को पूरा डी मिला ना क्या बोलते हैं लो? लोकसभा में तो हुआ अब वो राज्य सभा में गया था फिर, लैप्स हो गया।, फिर लैप्स हो गया लेकिन नहीं वो लैप्स हुआ दूसरा आया वो दूसरा पेंडिंग है वो आपको बताऊ कितने पापड़ बेलने पड़े उसको पूरे मतलब हरेक राज्य में उसकी मीटिंग पेंडिंग है पेंडिंग है। तो वही वही बोल रही थी और ये मुझे लगा दूसरा नया आया क्या वो जो है उसके लिए कितने कितने पापड़ बेलने पड़े आ, मंत्री से मिलना पड़ा वो जो आपसे कौन से मंत्री से मिले शशि थरूर से मैं नहीं मिली हमारे सपोर्टर्स ने अच्छा जब यूपीए की उस, सरकार थी। इस, ये मनमोहन सिंह वाले में हाँ। नहीं नहीं अभी 2018 में अच्छा तब तो शशि थरूर मंत्री नहीं थे एमपी थे एमपी थे ना तभी तो शशि थरूर के साथ बात किया फिर वुमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट की अपनी मनेका गांधी थे उनके साथ हमारे सपोर्टर्स ने बात किया उनको मिलने के लिए घंटों तक राह देखते खड़े रहे तब जाके कहीं पे वो मतलब उसको हटा दिया नहीं तो वो बिल अगर पास हो जाता तो हमारे क्या बोलते ना मराठी में तीन तेरा, ना, वो नौ ठीक नहीं था नहीं कितना बुरा था पता है उसमें क्या उस बिल में देखो ए, ब, ब, मतलब ना उस वो जो बिल में जितना कुछ बात लिखा था ना वो सारा हमारे ऊपर ही फुट रहा था हुँ. और वो हमें नहीं चाहिए था क्योंकि धंधा करना है तो, तो क्रिमिनलाइज कर रहा था इसको क्रिमिनलाइज तो. कर रहा था धंधे को तो इसलिए अच्छा आप लोगों के आ, सवाल किरण जी मेरा सवाल ये है कि सेक्स वर्क इंडिया में ना काफ़ी एक ऐसा टॉपिक रहा है जिसके ऊपर बहस हमेशा से रही है जैसे एक्टिविस्ट चाहते हैं कि ये लीगल हो जाए मतलब तो इसको लेकर के कानून बने वहीं एक तबका ऐसा है जिसका मानना ये है कि अगर ये लीगलाइज्ड हो गया कानून बन गया तो शायद इसका गलत इस्तेमाल भी हो ऐसे लोगों को इसमें धक्का दे दिया जाए जो अपनी मर्जी से सेक्स वर्क नहीं करना चाहते हैं आपकी राय क्या है क्या होना चाहिए नहीं आ, हमारी तो आ, अगर हम आ, हमारे संस्था के ओर से हमारे नेटवर्क के ओर से हम ये बात बोलना चाहेंगे कि सेक्स वर्क को लीगलाइज नहीं करना चाहिए सेक्स वर्क को डी डिक्रिमिलाइज करना चाहिए पूरी तरह से हमारे धंधे को पूरी तरह से डिक्रिमिलाइज करना चाहिए अगर ली लीगलाइज करेंगे तो वैसे भी हमारा देश बहुत रिश्वतखोर है आप सोचो क्या होगा नमस्ते किरण जी आ, जैसा कि आपने बताया था कि जब सेक्स वर्क के ना नाम आता है तो सिर्फ महिलाओं का नाम आता है साथ ही आपने बताया कि कम्युनिटी में मेल सेक्स वर्कर्स भी हैं और ट्रांसजेंडर्स भी हैं तो उनकी दिक्कतें महिला सेक्स वर्कर से कितनी अलग होती हैं उनके मुद्दे कितने अलग होते हैं कैसा है ना कि ये दो कम्यूनिटीज़ है औरतों की एक है एम एस की एक है उनके इंटरनल क्या प्रॉब्लम होते हैं ये हमें पता नहीं लेकिन जब बहुत बड़े प्रॉब्लम होते हैं सोचो किसी ने कुछ उनको मतलब तकलीफ़ देने की कोशिश की या कोई झगड़ा करने आया तो ऑलवेज़ हम दोनों मिलके एक साथ सामना करते हैं वैम्प और मुस्कान मिलकर क्योंकि हमारे यहाँ पे जो संगठन है आ, टीजी और एमएसएम का उसका नाम मुस्कान है तो हम दोनों भी उस, सामना करते हैं उसका एक साथ हो के किरण जी सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि जब मैं आपको सुन रही थी तो मुझे ऐसा लगा जैसे तमाम नारीवाद से संबंधित किताबें जो मैंने आज तक पढ़ी हैं वो सब मेरे सामने खुल के खोल के रख दी गई हूँ मैं पूछना चाहती थी कि जो हमारे समाज में सामाजिक और धार्मिक ढांचे ढांचे को बनाए रखने के लिए संस्थाएं हैं जैसे धर्म विवाह या फिर परिवार क्या आप इनमें आस्था रखती हैं आपको लगता है कि समाज के चलने के लिए या समाज की बढ़ोतरी के लिए इन संस्थाओं का होना ज़रूरी है लोगों को परिवार में रहना ज़रूरी है लोगों को विवाह करना ज़रूरी है धर्म का पालन करना ज़रूरी है नहीं आ, मैं ये मतलब इससे मैं आ, सहमत हूँ कि संस्था होनी चाहिए और कम्युनिटीज़ को इकट्ठा रखने के लिए संगठनाएँ होनी चाहिए इससे मैं सहमत हूँ लेकिन मैं धर्म में धर्म से सहमत नहीं हूं विवाह देखो एक समाज ने बनाया हुआ एक बंधन है। वो समाज ने बनाया हुआ रूल है तो वो तो विवाह का तो समाज के ठेकेदारों ने किया है, तो उनको तो पालना ही पड़ेगा है ना एक हमारा एक सेक्स वर्क ऐसा है जहाँ पे ना जाति देखी जाती है ना धर्म देखा जाता है ताई मैं ना थोड़ा समझना चाहती हूँ तो आप इसका जवाब एकदम विस्तार से देना ना बोलने का एक सेक्स वर्कर के पास कितना अधिकार होता है जैसे जब हम रेप की परिभाषा जब हम खबर लिखते हैं या बताते हैं कि रेप हुआ तो एक लड़की एक महिला या किसी की भी इच्छा के विरुद्ध अगर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए जा रहे हैं या बनाने की कोशिश की जा रही है तो वो रेप में आता है एक सेक्स वर्कर के पास अगर इच्छा नहीं है लेकिन पैसे की मजबूरी हो या जैसा आपने बताया कि आगे डिलीवरी के लिए प्लान करना है तो करना ही पड़ेगा वो कितना अधिकार उसके पास होता है तब और बिना इच्छा के मतलब इच्छा नहीं है तब सेक्स करना कितना मुश्किल है मैं इसमें यह भी जानना चाहूँगी कि दिन में कितने कस्टमर्स मतलब और किस तरह के कस्टमर आते हैं कितना समय लगता है उनके साथ बात करने में समझने में या फिर सीधे मतलब बस शुरू करो अपना काम कैसा है ना एक तो कस्टमर कितने आते हैं और और क्या पूछा आपने बहुत सारे सवाल एक बार इससे इससे शुरू करते हैं कि एक दिन में कितने कस्टमर आते हैं एक एक सेक्स वर्कर के पास और अच्छा कितने कितनी में, में मेरी मर्जी सौ भी करूंगी नहीं तो एक भी नहीं करूंगी यहाँ मेरी मर्जी दूसरी बात आपने रेप का बोला अभी थोड़ा आया थे रेप की बात बताया ना हाँ या ना बोलने का अधिकार तो बेटा ना हा या ना बोलने का अधिकार भी मेरा ही है क्योंकि मेरी मर्जी है मैं इस कस्टमर के साथ जाऊं या ना जाऊं और अगर कैसा होता है हमेशा से कि किसी एक सेक्स वर्कर के साथ रेप हो गया तो उसको रेप नहीं माना जाता क्या बोलते हैं पता है दस लोगों के साथ सोती है इसके साथ कभी रेप हो सकता है क्या लेकिन मैं जब नहीं बोलती हूँ तो मेरे साथ रेप हुआ ये बात भी मतलब सुप्रीम कोर्ट ने तो समझ लिया लेकिन हमारे बीच कोई सुनता मत, समझ नहीं रहा है इस बात को और कुछ तो पूछा था तूने धंधा करने का जिस दिन मन नहीं है उस दिन जो आपने बताया क्या ब्रोथल जो होती है वो नहीं कहती कि आज ज़्यादा कस्टमर है सब व्यस्त है या तब तब क्या मतलब ऐ, ऐसा नहीं होता कि आपका मन नहीं है उधर से प्रेशर है नहीं कभी नहीं नहीं वो मेरी मर्ज़ी है मुझे नहीं करना है नहीं करना है आपने एक वर्ड यूज़ किया अभी मजबूरी मजबूरी हमारे डिक्शनरी में उसका वो शब्द है ही नहीं है देखो मेरी ज़रूरत है पैसा कमाना ज़रूरत है मेरी मेरी ज़रूरत है पेट के लिए खाना भूख लगी है मेरे पेट को और मैं अब खाऊंगी तो वो मेरी मजबूरी नहीं है मेरे पेट को भूख लगी है इसलिए मैं खाना खाऊंगी दूसरी बात है बच्चे पढ़ने चाहिए तुम्हारे जैसे बड़े बड़े कॉलेज में बच्चे आने चाहिए है ना तो वो मेरी ज़रूरत है ना मेरा बच्चा पढ़े ये मेरी ज़रूरत है मेरे परिवार को संभालना है मेरे माँ बाप को संभालना है मुझे वो मेरी ज़रूरत है या मेरे माँ बाप के हाथ में कटोरा देके दूसरे के, के दरवाजे में भेजू क्या नहीं ना मेरी ज़रूरत है इस ज़रूरत को कैसा है ना समाज ने मजबूरी का नाम ठपका लगा दिया देखो वहाँ पे थैंक मजबूरी बना के लेकिन सोचना चाहिए मजबूरी है एक आखिरी सवाल बस है जब भी सेक्स वर्क की बात होती है ना और सेक्स वर्कर्स के बारे में सोचा जाता है या एक एक पहली बार दिमाग में जो तस्वीर बनती है वो ये कि वो बेचारे हैं या दया उस भाव से देखा जाता है आप एक सेक्स वर्कर हैं आपको कभी अफसोस होता है कि ये काम करना पड़ा या इस धंधे में आना पड़ा या आप बहुत प्राउड है कि जो कर रही हूँ अपनी इच्छा से अपनी मर्जी से अपनी खुशी से और कभी अफसोस नहीं है इस फैसले का मैं एक बात बोलूँ मैं तब आई ना धंधे में तब मैं सोलह सोलह ख़त्म होकर सत्रह लग गया था मुझे लेकिन मैं तब अडल्ट भी नहीं थी तब मैं बोलती हूँ कि मैंने जो मेरी जिंदगी का जो फैसला किया ना वो एकदम सही किया क्योंकि मैं ये नहीं कहती हूँ कि कोई भी करो कि ये काम अच्छा है इसको नहीं नहीं जिसकी उसकी मर्जी मर्जी की बात है फिर भी है ना मैं ये सोचती हूँ कि मैंने जो फैसला किया वो एकदम सही किया और आज मैं बहुत अच्छी हूँ नमस्ते मैं बीते दिनों भोपाल में था तो वहां पे रिपोर्टिंग कर रहा था लोगों से बातचीत की तो मैं किन्नर समाज के लोगों से मिला तो उन्होंने एक बहुत अपनी व्यथा बताई कि जैसे उन्हें जब कोई छक्का बोलता है तो उन्हें बहुत बुरा लगता है जबकि उसका इतना सामाजिकरण हो गया कि लोग उसी नाम से इस्तेमाल करते हैं तो जैसे आप लोगों के पेशे के लिए शब्द का इस्तेमाल करते हैं लोग तो ये शब्द आप लोगों को बुरा लगता है चुभता है या फिर सुनते सुनते लोग हैबिचुअल हो जाते हैं वही तो बोल रही हूँ ना मैं कि डी शब्द बोलते हैं इस तरह के वर्ड यूज करते हैं लेकिन हमने इसके लिए भी हमने संघर्ष करना शुरू किया है जैसे कि अंग्रेजी में आप बोलते हो ना प्रोस्टिट्यूट क्या बोलते हैं ना उसको प्रोस्टिट्यूट क्या वो प्रोस्टिट्यूट शब्द से हमने अभी एक पिटिशन मतलब हमने साइनिंग कैंपेन किया है कि प्रोस्टिट्यूट ये वाला शब्द ना यूज करे कोई क्योंकि प्रोस्टिट्यूट शब्द का अर्थ ही होता है ना है ना तो ये यूज़ ना करे देखो कोई भी हो रिस्पेक्ट दो रिस्पेक्ट लो धंधा करते तो क्या हुआ है तो महिला ही ना? तो रिस्पेक्ट तो बात करनी पड़ेगी, पड़ेगी भैया है ना एक आपने जैसे शुरू में एक बात बोली कि फिल्मों में बहुत अलग तरीके से दिखाया जाता वैसा होता नहीं है फिल्मों में कई बार जो है जो सेक्स वर्कर होती है उनकी प्रेम कहानियां भी दिखाई जाती हैं तो ऐसे क्या सेक्स वर्कर की भी प्रेम कहानियां होती हैं उनके होती भी होती है ना हाँ एक <laughs> सेक्स एक सेक्स वर्कर को चार पार्टनर होते हैं अच्छा चार प्रेम कहानियां एक साथ चलती है एक अंदर एक बाहर एक तैयार एक बीमार है ना चार प्रेम कहानियां एक साथ चलने वाली और वो जो जैसे फिल्मों में एक दिखाया जाता कि कुछ मर्द भी होते हैं कोठों पर जैसे कि जो उनको उनके लिए दलाल शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो उनका भी रोल होता है वहां पे या फिर वो फिल्मों में ही ऐसा फिल्माया गया गया फिल्मों की तो बात पता नहीं क्योंकि फिल्मों फिल्म जो दिखाते हैं, उसके उस तरह से सेक्स वर्क होता नहीं आपको अगर सच्ची में सेक्स वर्क किस तरह से होता है एक दिन का सेक्स वर्क का एक पूरा दिन आपको देखना है सही में आप संग्राम ओ आर और, संग्राम ओ आर जी डॉट कॉम पर जाओ वेबसाइट है संग्राम की हमारा एक प्ले है माय मदर द घरवाली हर हर मालक इज वाइफ प्लीज देखना तुम लोग रियल जिंदगी क्या होती है सेक्स वर्कर की पता चल जाएगी और ये जो दलाल की बात जो आपने कही ना अभी तो ये ऐसा है कि देखो ये धंधा है धंधा है इसमें देने वाला भी है इसमें लेने वाला भी है तो इसमें और कोई लाने वाला भी तो है ना जैसे हम देखते हैं कि इन सारी चीजों को कानून ने क्रिमिनल क्रिमिनल ठहराया और एक बात बोलना चाहूंगी बहुत बार हमेशा एक बात होती है देह व्यापार की हमेशा हमें इस इस नाम से भी पुकारा जाता है कि देह व्यापार करने वाली औरतें शरीर विक्रिय करने वाली औरतें देखो हम शरीर तो बेचते नहीं हैं हम देह का व्यापार तो करते नहीं हैं किसी ने पैसे दिए तो हम अपना पैर काट के दे क्या देते हैं क्या नहीं हम अपना हाथ काट के देते है क्या हम अपना वजहना भी काट के नहीं देते सही में मैं बोल रही हूँ मैं थोड़ा मतलब मैं थोड़ा फ्रैंक बोलने वाली हूँ नहीं, नहीं, इसलिए तो, हम ये कहते हैं कि हम अपने शरीर का कोई अंग काट के नहीं देते हम देते हैं कस्टमर को एक लैंगिक सेवा हम सेवा प्रोवाइड करते हैं ना उनको और उसके बदले में पैसे लेते हैं तो शरीर विक्रय की कोई बात ही नहीं यहां पे इसलिए अगर कोई आपके सामने कहे देह बिक्री करने वाली यदि देह व्यापार करने वाली शरीर बिक्री करने वाली आप उनको बोलो ऐसा मत कहो वो देह नहीं बेचती है तो सेवा बेचती है आपने मतलब आपने बोला मैं फ्रैंक होकर बोल रही हूं आपने ऐसी बात बताई ये सालों से चलन में है जो कि ये जो शब्द आप बताई देह व्यापार का तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि आपके इस वक्तव्य के बाद बहुत सारे लोगों की सोच बदलेगी शुक्रिया ताई नमस्ते आपको अ आप... आपने जब हम गंगू बाई काठियावाड़ी का जिक्र कर रहे थे तो आपने कहा कि वो कैसे अध्यक्ष हो सकती है जब वो रो रही है तो और इतनी देर से मैं जितनी देर भी सुन रही हूँ आपकी आवाज़ में मुझे कठोरता दिख रही है क्या वो बचपन से मतलब वो नेचुरल आवाज़ है या फिर उस अंदर के उस कमज़ोर पड़ने की शायद एक जो कड़ी आती है उसको दूर करने के लिए हम ज़बरदस्ती कभी कभी अपनी आवाज़ को कठोर कर देते हैं कि नहीं मेरा कमज़ोर वर हिस्सा नहीं दिखना चाहिए सामने वरना ये लड़ाई फीकी पड़ सकती है शायद नहीं ये इस तरह का आवाज़ मेरा मेरा आवाज़ जो है ना वो कमज़ोरी कमज़ोरी छुपाने का नहीं है मैं बचपन से ही ऐसी हूँ मैं ऐसी ही बात करती हूँ और बिल्कुल भी मैं कमज़ोर नहीं पड़ती हूँ क्योंकि मुझे विश्वास है मेरे संगठन क्योंकि मुझे विश्वास है मेरे संस्था पे हमें अकेला कभी छोड़ा नहीं है अगर कमज़ोर भी पड़ रहे हैं तो सब मिल आ जाते हैं हमें संवरने के लिए ऐसा तो है नहीं इसलिए मैं कह रही हूँ कि संगठित होना बहुत ही ज़रूरी है और जुड़ के रहना संस्था के साथ ये भी बहुत जरूरी है आप बार बार मुझे मैंने रिपीटिटिव मोड पे ये लाइन सुनी है कि संगठन बहुत ज़रूरी है संगठित रहना ज़रूरी है हम लोग भी ऑफिस में काम करते हैं घर पर भी होते हैं बाहरी लड़ाई दूसरी होती है और एक अंदरूनी लड़ाई होती है जो आपस में शायद आपसी समुदाय की होगी आ, कोई और गुटबाजी हो जाए जो वो किसी ख़ास तरह के नियम या फिर सिस्टम को वर्क सिस्टम को लागू करवाना चाहते हो आप लोगों के कुछ और नियम कानून होंगे क्या आप लोगों में भी अंदरूनी आ, कुछ इस तरह के मतभेद होते हैं जो आपको लगता है कि दूर होने चाहिए इतने ऐसे दूर होने तो आप मतभेद नहीं होते हम लड़ते झगड़ते बहुत झगड़ते एक मेक को ऐसा न झगड़ते कि अभी एक जिंदगी में कभी बात नहीं करेंगे ऐसा हो जाता है लेकिन पांच मिनट के बाद में जब भूख लगती है ना संगीता चल ना खाना खाएंगे बहुत लग भूख लगी यार अगर मैं नहीं आती हूँ तो वो मुझे बुलाएगी किरण भूख लगी है बाद में खाएंगे खाना पीना बाद में झगड़ेंगे खाना बीना खा के अभी चल खाने के बाद बहुत जोश आएगा मतलब ये जो होता है ना हमारा तो ये ऐसा एकदम से जो अंदरूनी पॉलिटिक्स वाली लड़ाई बोलते हैं तो वैसा नहीं है मतलब सब एक कॉमन कॉज की वजह से सब जुड़े हुए हैं जो जो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है एक आखिरी सवाल मेरा खाने पीने की बात की आप लोगों ने क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी ये शरीर की एक सीमा एक है क्षमता है ठीक है और हम अगर रोजाना बेसिस पर कोई एक एक्टिविटी एक कर रहे हैं जो शरीर के शायद नियमित या फिर सामान्य सीमा से अगर ज़्यादा मैं मानूँ तो सेहत पर कैसा असर पड़ता है उसको दुरुस्त रखने के लिए आप लोग क्या करते हैं क्योंकि खाना पीना भी उतना ही इक्वल ज़रूरी है आप किस तरीके का खान पान आप लोग रखते हैं क्या कोई ख़ास ख्याल रखती हैं आगे रिटायरमेंट के बाद क्या चिंता रहती है कि जब शरीर एक टाइम के बाद नहीं साथ देगा तब के लिए कैसी तैयारी रखती हैं आपने जो अभी बड़े बड़े टर्म्स बोले ये सब क्या आपके साथ साथ के जो जो भी सेक्स वर्कर्स से, बच्चे तो पढ़ रहे हैं लेकिन क्या आप लोग भी एक पढ़ाई का कोर्स भी चलाती हैं साथ में कि सब सबको ये चीज़ मालूम हो नहीं ये आ, मतलब अनुभव से भी आ जाती है कि जैसे कि जो पहले वाला जो एक न, ये था एक माइंड सेट टाइम था उस टाइम पे क्या होता था हम खाते थे पीते थे ऐश करके दूसरे दिन ऐसा पैसा पैसा पहुँच देते थे आज का ऐसा ही हाँ लेकिन जब संग्राम ने ये बात छेड़ दी हमारे साथ में कि ऐसा क्यों नहीं करते आप लोग बैंक अकाउंट नहीं क्यों नहीं खोलते सारा पैसा ऐसा आप अगर खर्चा करोगे तो पूरे मतलब आगे जाके बूढ़ेपन में क्या खाओगे और कैसा होता था कि पूरा पैसा जो कमाई होता था हमारी औरतें अपने घर परिवार को भी दे देती थी और घर परिवार का कैसा होता था कि जब तक वो कमाती है तब तक खाते थे और जब वो मतलब कमाने का कम हो जाती है ना तो फिर उसको इतना मतलब जो पहले वाली जो रिस्पेक्ट मिलना था वो नहीं मिलता था और इस वजह से फिर ये बात कहीं तो मतलब दिमाग को छू गई कि हाँ ये सारी बातें होती है अपने साथ और फिर जब हमने थोड़े थोड़े मतलब बैंक पुस्तक निकाल बैंक किताब निकाले और वो हमारे बैंक में पैसा जमा करने लगे हमारी भी देखो कैसी हमारी भी कुछ इच्छा अपेक्षा होंगी ना क्योंकि जैसे कि किसी ने बंगला खरीद लिया मेरा भी होता तो किसी ने जमीन खरीद ली मेरी भी होती तो किसी ने गहने सोना वाना पहन लिया मैं भी कर सकती थी हाँ मैंने उतना पैसा खर्चा किया तो ये जो है ना जैसे तुम्हारे सपने में और हमारे सपने में कोई अलगता नहीं है बट कमाने का जरिया उतना अलग है हम भी हम ये समझते हैं कि हमारा काम काम ही है लेकिन जब समाज जो परीख पे हमें रख के देखता है ना समाज का जो दायरा है उस दायरे पे रख के हमें देखता है ना तब हमारे सम, मतलब काम को मान्यता नहीं देता आ, नमस्ते ताई मेरा एक सवाल बस इतना ही है कि जब हम पूरा पूरे देश की बात करते हैं तो राजनीतिक जो लोग हैं उनकी बात आती है कि ये नेता पसंद है और ये नेता नहीं पसंद है तो आपको कौन सा नेता पसंद है नेता हाँ मेरे लिए तो नेता पूरे दुनिया में दो ही है एक मीना मैडम एक आरदी मैडम मैं तुम्हारे मोदी को भी नहीं जानती हूँ उसके नमस्ते ताई पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि मैंने जब से आपको सुना है मेरा लेकिन आपके प्रोफेशन को लेके पूरा पर्सपेक्टिव ही मेरा बहुत नेक्स्ट लेवल का चेंज हुआ है बट एक चीज़ में जो मुझे थोड़ा डाइसी लगा कि आपने जो प्रेगनेंसी वाली हमने बात करी तो आपने बोला कि जो वर्कर होती है वो सिक्स मंथ्स तक काम करती है उस मतलब उसके बाद नहीं करती है बट आपको नहीं लगता कि मतलब जैसे मैक्सिमम ऑफिस में भी जो लीव होती है वो थर्ड फोर्थ मंथ से दी जाती है तो सिक्स मंथ कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गया उस टाइम भी तो एक लोड पड़ता ही है अगर कोई महिला चाहे कि उसको नहीं करना है काम पूरे प्रेगनेंसी पीरियड में तो क्या आप लोग उनकी हेल्प करते हैं उसकी मर्जी ना वो करेगी तो प्रेगनेंट हो गए तब से बंद करेगी अगर उसको आगे करना है तो वो छः महीने तक नहीं नहीं ये सवाल तो आपने मुझे पूछ लिया बच्चे ये सवाल किसी घर में जाके पूछो ये मुझे पूछ लिया कि लीव लेनी चाहिए ये करना चाहिए वो करना चाहिए किस कोई घर में जाओ और उस वो प्रेग्नेंट औरत को बोल दो भाई कितने दिन काम करेगी तुझे भी तो लीव चाहिए ना तो अभी तो आराम कर वो बोलेगी मेरे पति को कौन खिलाएगा आपकी जो पर्सनालिटी देखिए आप मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वूमेन लगी तो मेरे आपसे एक राय जाननी थी जो आपकी मैरिटल रेप पे क्या राय है जो औरतें अपने जिनका पति उनका रेप करता है वो नो no बोलती हैं बट वो नहीं सुनते हैं तो आप उन पर क्या राय देती हैं उन पर एक ही राय दूँगी ये समाज ने जो रूल बनाया है ना कि पति है तो उसके साथ सोना ही चाहिए ये तो ये खो गया लेकिन शादी में जो शादी के बंध मतलब शादी के रिश्ते में जो रेप होता है वो रेप कोई नहीं देखता कौन देखता है रेप वो लड़की बोलेगी भी तो किसी किसको सास को बोलेगी मेरे पे रेप किया मेरे पति ने हाँ और अगर समझो हाँ ठीक है बोल दिया उसने सास को कि नहीं मेरे पति ने मेरे पे रेप कर दिया तो वो सास क्या बोलेगी क्या करेगी वो लड़की क्योंकि ये जो समाज ने रूल बनाया है ना ऐसे रूल को तोड़ते हैं हम इसके लिए बुरे हैं हम समझ में आया मेरा अधिकार है मैं हाँ या बोलूँ या ना बोलूँ लेकिन समाज के ये जो रूल है ना इसी को तोड़ते हैं हम इसीलिए तो बुरे हैं हम लेकिन हम बुरे है नहीं ठहराते हो आप ताजी नमस्ते मैं नीरज भाई जैसा कि आपने बताया जो रेड लाइट एरिया है जहाँ पर खूब ढेर सारी सेक्स वर्कर्स हैं वहाँ तक एन या कुछ योजनाएँ पहुँच जाती हैं मैं उस चीज़ के बारे में जानना चाह रहा हूँ जो ऑनलाइन चल रहा है ऑनलाइन बिचौलियों के माध्यम से जो कॉल गर्ल्स जिनको कहा जाता है उनकी डिलीवरी की आती है सामने वाला किस तरह का कस्टमर है किस तरह का है मतलब ये भी खबरें आती हैं कि डिलीवरी के लिए गई थी लड़कियां तो उनको मार दिया गया शराब से उन उनको शराब पी के जबरदस्ती शराब पिलाई गई सिगरेट से शरीर दागा गया तो उन सब चीजों को रोकने के लिए आप क्या आपका संगठन क्या कर रहा है उस तरह देखो एक सबसे पहले बड़ी बात यह है कि हम जिस संगठन से जुड़े हैं हम जिस संस्था से जुड़े हैं उस संगठन में या उस संस्था में इस तरह के मतलब जो ये अन्याय होते है ना ये नहीं होते हैं, नहीं इतने मतलब नहीं होते ऐसे नहीं लेकिन होते नहीं क्योंकि संगठन का नाम ही वेश्या से शुरू हुआ है और अन्याय मुक्ति परिषद है जहां पे इस तरह से कुछ हो जाता है हम दौड़ के वहां पे चले जाते हैं एक कस्टमर ने एक लड़की को बहला के फुसला के सल चल जूस पी के आएंगे चल जूस पी के आएंगे बोला उसके उसको गाड़ी में बिठाया दूर लेके गया कम से कम सौ किलोमीटर सांगली से सातारा सौ किलोमीटर है इतना ही दूर लेके गया वो लड़की को बहुत मारा उसके मतलब जितना भी सोना था उसका ये मेरे हमारे जैसे ऐसे ही सब सोना होना पेन के तो वो सब निकाल लिया इस तरह से तोड़ा गया वो सोना ये कान फट गए और मारा उसको और वो लड़की रेंगते रेंगते हाईवे तक आई और रात के दो बजे हमारे जो सीनियर लीडर थे हमारे कमला मावशी वो गुज़र गए उनको फ़ोन आया उस गवर्नमेंट हॉस्पिटल से कि इस लड़की को हम इस हालत में लेके आए और वो लड़की तुम्हारा नाम बता रही है और जब हम सातारा गए तब उसकी हालत देखी मतलब इस इस ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते वहाँ पे हम पहुँच जाते हैं लेकिन जो आपस में मामला होता है उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते गेस्ट इन द न्यूज़ रूम में आज के लिए इतना ही अलग अलग क्षेत्रों से हस्तियाँ आती हैं मेहमान आते हैं मकसद एक ही रहता है कि आप संवेदना के स्तर पर समझ के स्तर पर समृद्ध हों और जब आप अगली दफा समाज में दाखिल हों तो आपको पता हो कि जो आपसे इतर है जो अदर है उसकी स्थिति कैसी है अगर आप अदर की स्थिति समझ जाएंगे तो जो अदरिंग का प्रोसेस है अलगाव का प्रोसेस है उससे बच जाएंगे समझने का ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा आप देखते रहिए गेस्ट इन द न्यूज़ रूम